समर्पयामि। बेटा तुम 100 साल जियो। आहा, भगवान सभी लोगों को अच्छा रखो, मुझे भी अच्छा रखो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब लोग कम से कम सुपर भेजो, हमें एवरेज तो रखो। 20 साल पहले आपके सामने जो मन्नत मांगी थी वो आपने पूरी कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। भैया सब लेकर के आ गए आप? सब लेकर आ गए क्या? हाँ भैया, एक ही लेकर आया? बाकी का हजार वहाँ पे है। अरे बाकी का देना भैया, ये सब तोड़ोगे तो हाथ टूट जाएगा। इसलिए तो मैं डायरेक्ट ये 1001 नारियल तोड़वाऊंगा। 999 कौन तोड़ेगा? वो चांस तूने मार लिया दोस्त। नमस्ते पंडित जी। अर्चना करनी है, पूजा करनी है या आरती करनी है? जो जल्दी होता है वो कर। आरती जल्दी से कर दो। क्यों नहीं, जरूर क्यों भाई। बैंड बाजा तैयार कर लिया है ना? सब कुछ रेडी है भाई, तो शुरू कर। जय ईश्वर की। बेटा तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। पंडित जी सुबह से लेकर शाम तक आपको कितनी दक्षिणा मिल जाती है? 100-200 मिल जाती है। 5000 रख लो ये। बेटा आश्चर्य हो रहा है या खुशी? शक हो रहा है। क्यों बेटा, तुम इस गांव में नए हो क्या? पंडित जी यहाँ की हवा से पूछ लो, पेड़ से पूछ लो, पौधों से पूछ लो, फूलों से पूछ लो, पत्तों से पूछ लो, सब मेरे बारे में बता देंगे। इंसान तुम्हारे बारे में नहीं जानते। आपको इस मंदिर में आए कितने साल हो गए? 10 साल हो गए बेटा। मुझे इस गाँव से भागे हुए 20 साल हो गए हैं पंडित जी। आज फिर से इस गांव में कदम रखा है, क्यों पता है आपको? मेरी जो 20 साल से मन्नत थी वो भगवान ने कल पूरी की है। अरे तुम जब से आए हो 20 साल की मन्नत बोल रहे हो, आखिर वो मन्नत क्या थी ये तो बताओ। मेरा बाप मर गया। अरे इनकी मौत कल रात को हुई थी, और कितनी देर रखेंगे? कोई अग्नि देने वाला तो हो। अरे सगा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, इन्होंने जिसको रखा था उसका बेटा तो है ना, वो अग्नि दे सकता है। कौन है जो इस तरह की बकवास कर रहा है? अरे बाप रे, ये बुढ़िया जब बोलती है तो सबकी बोलती बंद कर देती है। अरे रखिल का बेटा अपने बेटे से बढ़कर होता है क्या? अगर तुझे उस पर इतना ज्यादा प्यार आ रहा है तो मरने के बाद अपनी चिता पे उससे ही आग लगवा देना। मेरा पोता आएगा, उसके बाद ही अंतिम संस्कार होगा, जिसे जाना है यहाँ से जा सकता है। दादी बेटा रामू, दादी रामू आ गया मेरा बेटा, तू आ गया मेरा बेटा। अब से आपको मुझसे मिलने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, आज के बाद मैं नहीं रहूंगा। हम सबको छोड़ के चले गए। कौन है ये, बहुत ही लेट रो रहा है? ये लोग गांव वाले हैं बेटा, किसी की मैयत पर पेट भरकर खाना खाने के बाद ही जाते हैं। दादी एक मिनट रुको। अरे हम लोगों को छोड़ के चले गए। बाप मेरा मरा है कि तेरा मरा है? तेरा। तो अब रोना बंद कर। क्या बे हंस क्यों रहा है, तेरा बाप मरेगा तो तू ऐसे ही हंसेगा? क्या बताऊं भाई, एक मेरा बाबा जो मरने का नाम ही नहीं। ये कौन है? ये मेरा बाप है। बहुत अच्छा मारा है तुझे। एक बात समझ में नहीं आ रही, पूछू क्या? हम रो रहे हैं तो मार रहे हो, हंस रहे हैं तो मार रहे हो। तू अपने बाप को पसंद करता था कि नहीं करता था? बदला बे, बदला बदला। वो कोई एक दिन, एक महीना या साल भर का बदला नहीं है, 20 साल का बदला है ये। एक इंसान सुबह से शाम तक खेतों में काम करके घर लौटता है और उसको एक गिलास पानी पूछने वाला कोई नहीं है। अगर मेरी बीवी होती तो मेरा पैर दबाती और मुझसे बातें करती। छोड़िए ना जी, रात होते ही बीवी मेरे बगल में होती है कहते हैं और सुबह होते ही काम वाली बना देते हैं। अरे इसीलिए तो पंचायत का प्रेसिडेंट होकर मूंछ में ताव देकर जीता हूँ और तेरे सामने भीगी बिल्ली बन जाता हूँ। वैसे भी तेरे सिवा मेरा है कौन? मन तो करता है तुझसे शादी कर लूँ, लेकिन मेरी बीवी को मरे 6 महीने हुए। तुझसे शादी करूंगा तो गांव वाले मेरे मुंह पर थूकेंगे, और वैसे भी तुझे यहाँ क्या कमी है। अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, देखोगी? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आप ना इस तरह की चीजें दिखाकर मुझे अपनी तरफ खींचकर फायदा उठा लेते हैं, ये आपकी आदत ही बन गई है। सुनिए जी। बोलो। ये क्या मैं खुद पहनूं? मेरे होते हुए तुम खुद पहनोगी? गोरे गोरे पैरों में पायल की छन छन। क्या हुआ? अरे रे, देख रहे हैं आपके बेटे की बुद्धि? छी 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 छी। तू यहाँ नीचे क्या कर रहा था? वो हम लोग चोर पुलिस खेल रहे थे तो मैं छिपने के लिए यहाँ पर आ गया था। मैं नीचे छिपा था और कुछ नहीं। कितना झूठा है, ये सब उस बुढ़िया ने किया है।
हमारी बातें जानने के लिए ही इसे यहाँ भेजा है। कल मैं रंगोली बना रही थी तो मेरी पीठ पर मारकर वहाँ गया ये बदमाश। क्या रे, तूने ऐसा किया? तेरी इतनी हिम्मत? ऐसा करेगा तू? क्यों मार रहा इसे? बेशरम कहीं का, ऐसे ही मेरी बहू को मारता था। तेरी इसी मार की वजह से मेरी बहू बेचारी ऊपर चली गई, और इस चुड़ैल की बातें सुनकर तो मेरे पोते पर हाथ उठाता है। क्यों रे, कारण मेरे बेटे को भड़का कर मेरे पोते को मार खिलवाती है? शर्म नहीं आती तुझे? तुझे तो मैं ठीक करूंगी। छोड़ दो कमीने, पता नहीं इसने तेरे ऊपर क्या जादू टोना कर दिया है। तू इसको घर में लाकर जो पाप कर रहा है ना, छी, तुझे ऊपर वाला भी नहीं बख्शेगा। और सुन, आज के बाद तू इस घर में एक मिनट भी नहीं रहेगी। निकल निकल मेरे घर से, इसी वक्त निकल जा। ये कहीं नहीं जाएगी, जाना है तो तुम जाओ। मैं क्यों जाऊंगी? ये घर मेरा है, ये जायदाद मेरी है। ये जायदाद अपने बाप के घर से लेकर आई थी? नहीं, छोड़। देखता हूं तू क्या करती है, चल निकल यहां से। दादी, नहीं बेटा, मत कर ऐसा। तेरी इतनी हिम्मत? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। जहाँ जाना है, थक कर इस घर में ही आएगा ना, तो मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा। ये घर क्या, मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। जब तू मरेगा ना, वो खबर सुनकर ही मैं यहाँ पर आऊंगा। तो अब बताओ, क्या ऐसे इंसान को बाप बोलूं मैं? बेटा, तुमने जो कहानी सुनाई वो सुनते हुए मैं इतनी दूर तक आगे पता ही नहीं चला। बेटा, चाहे कुछ भी हो, तेरा बाप था, अग्नि तुझे देनी पड़ेगी। बहुत जल्दी देना चाहता हूँ, आग कहाँ पर है? ये लो बेटा। अरे सुनो, सर इधर नहीं, उधर है। मेरे बाप का सर इधर ही था। अरे, ये अपने बाप से बदला लेना चाहता था, फिर अग्नि क्यों दी? ये अलग किस्म का इंसान लगता है। जीते जी जो मैं नहीं कर पाया, वो इसके मरने के बाद कर रहा हूँ। जला के राख कर दिया। वो राम जी थे जिन्होंने 14 साल का वनवास गुजारा, और तू तो 20 साल का वनवास काट कर लौटा है। यहाँ देख बेटा, वो यहाँ से लेकर वहाँ तक जो दिखाई दे रहा है, वो सारी जायदाद तेरी है। ये जायदाद मुझे क्यों चाहिए, तुम ही रख लो। मेरी तो बस एक ही जायदाद है, मेरी अपनी जान। पानी का घड़ा उठाकर मेरी कमर पूरी तरह से टूट गई है। अरे दुर्गा, अभी से ऐसे कहेगी तो कैसे चलेगा? अभी तो बहुत कुछ करना है, शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, उसे गोद में घुमाना है, इसलिए घर वाले हमसे ये सब काम करवाते हैं। अभी से थक जाओगी तो कैसे चलेगा? क्या शादी और क्या ब्याह, मुझे तो ऐसा कुछ भी होते हुए नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। अरे, घर में जवान बेटी है, ये मेरे माँ बाप भूल ही गए हैं, कहीं शादी किए बिना ही बूढ़ी ना हो जाओ। अगर शादी करनी है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर लाऊंगा। सिर्फ मैं ला सकता हूँ, पूरे एरिया में वैसा लड़का नहीं मिलेगा जो मैं ढूंढकर लाऊंगा। बोलो, करनी है? अरे रुक रे, इन्हें शर्ट उतारने वाला सलमान खान जैसा लड़का चाहिए। हमारे रामपुर के लड़के तो इन्हें ड्रैकुला नजर आते हैं, इनकी शादी कभी नहीं हो सकती। बनकर नहीं तो इतना मारूंगी कि दांत टूट जाएगा। देख राधा, तू इनके साथ रहती है ना, इसीलिए इनकी बदतमीजी इतनी बढ़ गई है। अरे, हम लोग यहाँ जब भी आते हैं तुम लोग शादी की बातें करती रहती हो, और कुछ बातें नहीं है क्या? शादी ब्याह हमारे हाथ में थोड़ी है, जब होना होगा तब हो जाएगा। चलो जल्दी चलो, देर हो रही है। तेरा क्या है, कुछ भी बोलो। रात को सोने की कोशिश करती हूँ पर नींद ही नहीं आती। अरे, तुम लोगों को नींद आए या नहीं आए, तुम्हारी शादी नहीं होने वाली है, और देखना हमारी राधा दीदी के लिए बहुत ही जल्दी दूल्हा आएगा, वो भी घोड़े पर सवार। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Oh, yes. अरे वाह वाह वाह, अरे बाप रे, हनुमान जी मुझे बचा लो। अरे बाप रे, भागो। अरे ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया यार? अरे बाप रे, बचाओ। अरे कोई बचाने वाला है या नहीं? अरे बाप रे, तुझे शॉर्टकट भी पता है क्या? क्या बात है, मुझे ही फॉलो कर रही है, मेरे कपड़े देखकर मुझे फॉलो कर रही है ना। ओह, ये सब मैंने क्यों पहना, ये सोच रही हो क्या? आज से 20 साल पहले अंकल की बेटी राधा ने मुझे इसी गांव में इसी ड्रेस पर देखा था।
इसलिए मैं उसे इसी ड्रेस में दिखना चाहता हूँ। बस मेरा साइज थोड़ा सा बढ़ गया है। इस 20 साल में मैं बदल गया, कपड़े बदल गए, साइज बदल गई, लेकिन मेरा जो प्यार है वो थोड़ा भी नहीं बदला। वही प्रूव करने जा रहा हूँ। डोंट डिस्टर्ब मी, बाय। बाय बोल रहा हूँ तो अभी भौंक रही है क्या? देख तू गांव की जानवर है, इसलिए पूरे डिटेल में समझा रहा हूँ तुझे। हाँ सोन, मैं किसी भी जानवर से डरता नहीं हूँ। तू काटे तो सिर्फ इंजेक्शन ही लेना पड़ता है, लेकिन अगर मैं काटा तो घाव कर देता हूँ। यू नो दिस इज कंकर। अरे बाप रे, अरे बचालो, कोई बचालो मुझे, ये पीछे ही पड़ गई रे। नहीं, अब क्या करूं? अगर दम है तो आजा, आजा मुझे काट के बता, दोनों लड़ाई करेंगे। आजा, हाँ हाँ, इधर काट, आजा आजा आजा, काट के दिखा। ओए, ओए। समझदारी में मैं तेरा भी बाप हूँ। क्या रे, तू इस गांव में कैसे आ गया? तो क्या ये कोई पाकिस्तान है जो पासपोर्ट बनाकर तेरी परमिशन लेकर आऊँ? नहीं, अरे इससे परमिशन, जब इसकी बीबी भाग गई तो इससे परमिशन ले ली। ए सुन, अभी ये बात बतानी जरूरी थी क्या? सॉरी सर, आपकी फैमिली टाइप नहीं है। वो सब छोड़ो, तुम कहाँ जा रहे हो ये बताओ। अभी मैं अपनी राधा के घर पे जा रहा हूँ। राधा के घर जा रहा हूँ तो इधर क्यों जा रहा है? राधा का घर इधर ही है। नहीं उधर है। क्या हुआ, राधा का घर बदल गया क्या? घर नहीं बदला, वो लोग उधर बदल गए। उस गली के अंदर तीसरा घर। थैंक्स अ लॉट मेंशन ना। वो क्या इसका कल्याण? राधा, राधा, बुआ कितनी बदल गई हो तुम। राधा का अंदर है। अच्छी बात है। राधा, 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 हाँ ये नहीं आएगी, मैंने बुक किया है। राधा, मैं 20 साल बाद तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें ऐसे देखने के लिए नहीं आया हूँ। तुम्हारे साथ ऐसा होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सही कहा, अभी थोड़ी मोटी हो गई है। तुम चुप रहो, वह ऐसा कर रही है, अंकल को पता है क्या? उन्हें अच्छे से पता है, उन्होंने ही उसे यहाँ भेजा। अंकल, जब मैं छोटा था तो हमेशा कहते थे कि नया धंधा शुरू करना है, नया धंधा शुरू करना है, ये था नया धंधा। ऐसा गंदा धंधा शुरू करना चाहते थे आप? और तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? चल निकल। ठीक है राधा, जो होना था वो तो हो गया। अब तक तुमने क्या किया इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी जान हो। अभी तुम ना करा जाओ, हम अपने घर चलते हैं। यहाँ पर 5,000 और घर ले जाएंगे तो 10,000। अरे ये क्या, मुझे अपनी राधा को ले जाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे? अरे कहीं भी लेकर जा, मुझे क्या। मुझे पैसों से मतलब है, पूरे लाख रुपए देकर खरीदा है। अरे बाप रे, अंकल ने पूरे लाख रुपए में इसको बेच दिया? हाँ बेटा, तकलीफ में था इसीलिए बेचना पड़ा। ये कौन है? ए, ये बता तेरा अंकल कौन है? इस गांव का प्रेसिडेंट भूषण अंकल। भूषण का घर ये नहीं है। भूषण जी का घर ये नहीं है? नहीं बोल रही हूँ तो नहीं, समझ में नहीं आता, चल निकल यहाँ से। अरे उस घर के अंदर जो घुसता है ना, अंडरवियर में बाहर निकलता है। ये तो ऑलरेडी निक्कर पहन के गया था, पता नहीं अंडरवियर में आएगा कि नहीं। तुमने मुझे उस कंपनी में भेजा, मुझे उस बात का दुख नहीं है, पर तुमने मेरे और राधा के प्यार का अपमान किया है, इस बात का मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नहीं छोड़ूंगा, मेरे और राधा के बीच में आ गए तुम लोग। आइंदा मुझसे मजाक करोगे? करोगे? मुझे बचा लो, छोड़ूंगा नहीं, ये मुझे मार डालेगा। हमारे गांव की लड़की पर हाथ डाला, सिर्फ हाथ नहीं लगाया, उसे गोद में उठा लिया। वही क्यों बे चिल्लर पार्टी, कौन हो तुम लोग? हाँ हमारे गांव में आकर हम ही से पूछता है कौन है। तू हमारे गांव में भी आएगा ना तो हम ऐसे ही पूछेंगे। यहाँ अब इसे बात करना बेकार है, मारो इसे। कौन है रे तू? निकर पहनकर गधे की तरह लग रहा है, बच्चों को डरा रहा है। अंकल, इस गधे का अंकल कौन है? आप हो। मैं हूँ। मैं हूँ अंकल राम। राम? अरे वही आपका बचपन का लाला राम। अरे बेटा तू है तू। तू जब बहुत छोटा था तब देखा था ना,
बेटी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सीधी तरह खड़े रहो ना गधे। क्या बात है पापा? ये मोटा कौन है, याद आया? तुम्हें याद आया इसलिए मैं ये स्कूल का ड्रेस पहन कर आया हूँ। याद करो, याद करो। सीधा खड़ा रहा। राम है बेटी। अरे बुआ का बेटा राम। अरे क्या बात है कि दीदी को देखकर इतना शर्मा क्यों रहा है? कुछ तो गड़बड़ लगती है। दीदी इधर आइए आप सखा। चलो दीदी, आओ दीदी। अंकल मैं जब था तब राधा अकेली थी, इस बीच इतने सारे बच्चे। मुंह बंद कर बेवकूफ। तूने जो निक्कर पहनी है ना, उससे आसान नहीं होता बच्चे पैदा करना। अरे वो सारे इस गांव के बच्चे हैं। दीदी दीदी बोल के उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। चलो अब घर चलते हैं। घर देखे हुए बहुत दिन हो गए। अरे वही दरवाजा, अरे वाह, वही चिड़िया, वही छत, अरे वाह वाह वाह, वही खंबा। इन्हें बदला नहीं जा सकता ना। दीवारें थोड़ी सफेद हो गई हैं और आपकी दाढ़ी भी। मैं इन्हें काला नहीं करता ना। अरे बाप रे, अरे वाह, इसी दरवाजे पर मैं और राधा खेला कर देते। या, अंकल, अंकल क्या बात है? अरे इसमें तो बहुत आवाज आ रही है, आपने ठीक नहीं करवाया क्या? आवाज तो आएगी ना, तेरा वजन बढ़ गया है इसलिए बेचारा रो रहा है। चल नीचे उतर। अरे वाह वाह, अरे अंकल, बचपन में मैं और राधा इसी पर गुड्डा गुड्डी का खेल खेला करते थे। और आपको याद है पीछे से पकड़ कर मैंने आपको मारा था, याद है? अरे उस मार को इतनी जल्दी कैसे भूल सकता हूँ। और ये पीछे का दरवाजा तो खुला ही हुआ है। अंकल आप, क्या याद आ गया तुझे? यहाँ पर एक कुआं था ना। कौन सा कुआं? अरे वही कुआं जिससे पानी निकाल कर बचपन में मैं और राधा नहाते थे। अभी उम्र में वहाँ नहाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ बाथरूम बनवा दिया है। अंकल हाँ, आप सब उल्टा कर देते हो इसलिए आंटी आपको डांटती है। क्या है ये नाटक, पागलों जैसी हरकत कर रहा है, निकालिए इसे बाहर। इसका शरीर बढ़ गया है बेटी, लेकिन इसका दिमाग अभी भी बढ़ा नहीं है। आ रहा हूँ। इधर आइए, इधर आइए। क्या बात है? ये क्या है बताइए? घोड़ा। घोड़ा नहीं, खिलौना। अरे बाप। अरे जब हम छोटे थे तब मैं और राधा इस पर बैठकर सवारी किया करते थे। अरे बहुत हुआ बस कर, गांव में गधा आ गया ये सोचकर गांव वाले मारेंगे। पापा आप खेत जाने वाले थे ना? बाबा राधा इसी घर में है, सब कुछ बदल गया है, लेकिन राधा की आवाज नहीं बदली, वैसी की वैसी ही है। पागल कहीं का बेटा, मैं खेतों पे जा रहा हूँ, तू यहाँ क्या करेगा? अंकल यहाँ राधा अकेली कैसे रहेगी, आप जाइए मैं यहीं हूँ। निक्कर पहनकर खुद को इतना बड़ा समझ रहा है कि घर संभालेगा? अरे उसको आदत है, तू अपने घर जा। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अंकल आपके पैर छूना भूल गया। क्या है पापा, जो मुंह में आ रहा है बकेट जा रहा है, अब दोबारा ऐसे यहाँ मत लाइएगा। अरे वो कोई पराया नहीं है बेटी, वो मेरी मुंह बोली बहन का बेटा है, माँ बाप को खो चुका है। वैसे ताल की तरह बढ़ गया है, लेकिन बुद्धि अभी भी बच्चों वाली है उसकी। उसके बारे में ज्यादा मत सोच, मैं आता हूँ। हाँ शांति के लिए गरीबों को खाना खिला दूंगा, तू चिंता मत कर। आ? ये क्या, दरवाजा क्यों खुला हुआ है? ए जी जरा वहां देखिए। अरे ए चोर, क्या कर रहा है तू? ए रुक जा। हेलो
इनकम टैक्स कमिश्नर मुंबई। मैं एपीसी इनकम टैक्स ऑफिसर बात कर रहा हूँ। यस सर, आपके कहे मुताबिक उनके घर से सब कुछ मिल गया है, महंगी महंगी बनारसी साड़ियाँ, गहने, सब कुछ। यस सर, उसका तूत भी बाहर निकला हुआ है सर। हाँ हाँ, मूछे भी हैं, ओरिजिनल या नकली अभी चेक करता हूँ। ओरिजिनल सर, सर 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 सर, लोना वाला में भी उसके ज्यादा तौर पैसे हो सकते हैं सर। इधर 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 इधर, उसकी एक सुंदर बीवी भी है सर। बहुत बिल्डअप दे रहा है, इतना सारा सोना देख कर मुझे शक हो रहा है सर। सर सर सर, एक अंगूठी मिल गई है और दूसरी निकल नहीं रही है सर। अब बताइए क्या करूं, लॉरी लेकर आ जाइए और उसमें हथियार, फोर्स, कांस्टेबल सब कुछ लेकर आ जाइए सर। सर सर, वो 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 वो, वन मिनट सर, वन मिनट, वन मिनट। तुम्हें तिहाड़ जेल पसंद है या सेंट्रल जेल पसंद है, अपनी पसंद बताओ जल्दी। हेलो, तूने बस स्टैंड पे मेरा फोन चुरा लिया ना, तू मुझे जहाँ भी मिलेगा छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं तेरी बत्तीसी तोड़ दूंगा बेटा। अरे तू कमिश्नर से बात कर रहा था तो फोन की घंटी कैसे बजी? एक तो तू फोन चोरी करके आया और मेरे घर में चोरी कर रहा है। तू मेरे से बड़ा है, मैं ठीक ना हूँ, वो तेरा एरिया था, ये मेरे भाई का घर है, दम है तो मुझे मार के दिखा दिखा दिखा। अरे मारने वाला मैं हूँ, ये घर चाहे किसी का भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गाँव में नया है ये सोच कर तू नई कहानी बना रहा है। अब मारेगा तो मैं अपने भाई को बुलाऊंगा। बुला, कौन है तेरा भाई, बुला उसको, बुला। भाई भाई, ये मुझे मार रहा है भाई। क्या हुआ, फिर से इस गधे ने चोरी की क्या? अबे छोड़। दादी मैं चोरी नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? आहा, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जितना चाहे मारो। ए बुढ़िया, देखो भैया खून का रिश्ता है फिर भी दादी क्या कह रही है, ऐसे क्या देख रहे भैया, आपका छोटा भाई बद्री। ये कौन है दादी जो मुझे भैया बुला रहा है? तू अंदर चल, मैं बताती हूँ, चल। अबे तू ठहर, तेरी तो, क्यों मार रहे हो? तेरे बाप ने जिस औरत को रखा था ना, ये उसी की पैदाइश है। जब तक तेरा बाप जिंदा था ये यहाँ पीकर आता था और कहता था कि मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए, तेरे बाप ने नहीं दिया तो ये चोर बन गया है। अब तू यहाँ आ गया है तो ये तुझसे रिश्ता बनाना चाहता है। तू मेरी बात सुन, इसे 10-20 रुपए दे के ना यहाँ से रवाना कर दे और कोई रिश्ता मत बनाना, जा दे दे उसे 10 रुपए, जाना। मार क्यों रहे हो इसे? इसने चोरी की है, मारू नहीं तो क्या करूं? क्या चोरी किया है? अंगूठी चुराई है इसने मेरी। क्यों बे, इसकी अंगूठी हमको नहीं चाहिए, उसको दे दे। अरे दे देना यार, चल ठीक है। अच्छा आपको अंगूठी चाहिए ना? हाँ। जाओ भैया, ये आपकी अंगूठी पहनने के काबिल नहीं है, ये ले, तुझे अपने हाथों से नहीं दूंगा, ये ले ले। अरे नहीं भाई, ये गलत है, ये लीजिए आपकी अंगूठी, आपको मिल गई ना, अब आप जाइए। हाँ। ओ भाई, इधर 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 भैया, अभी हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ है। कौन सा? तुम्हें तुम्हारी चीज मिल गई, लेकिन मुझे मेरी चीज नहीं मिली ना। इधर आ, इधर आ, इधर। अबे फिर से झगड़ा करके चल, खाना रे। नहीं भैया। अरे कोई बात नहीं, चल खा। नहीं भैया। अरे खाना तो, खाने के बाद मारोगे तो नहीं? पर क्यों मारूंगा तुझे, मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे, कोई गलती करता था तो पहले पेट भर खाना खिलाते थे, उसके बाद डंडे से धुलाई, कहीं तुम भी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, चल तू खा। ठीक है भैया। ए रामू, अब बर्फ में बुढ़िया आ गई। तुझसे कहा था इसे बाहर भगा और तू इसे बिठाकर खाना खिला रहा है। आप चुप रहिए, पिताजी ने गलती की तो इसका क्या दोष है? तुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं सब पता है मुझे, आप जाइए यहाँ से, जो करना है। जाओ जाओ। अरे तू फिक्र मत कर रहे, इस जायदाद में तेरा भी आधा हिस्सा है। हाँ, आज के बाद तुझे चोरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इज्जत से जीने का, तू मेरा भाई है। सच में तुम मेरे भाई ही हो? क्यों, इसका तुझे दुख हो रहा है क्या? बहुत खुशी हो रही है भैया, एक माँ से जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ, आपने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे लिए यही बहुत है, बहुत है। ए, राम और लक्ष्मण एक ही माँ से पैदा नहीं हुए थे, लेकिन क्या वो भाई नहीं थे? चल खा। बस भैया, बस भैया। ए, हम दोनों अलग नहीं है बल्कि एक ही है। लोग हमसे डर रहे हैं, चश्मा छुपा ले भैया। सुबह सुबह पहली बार मंदिर आया हूँ भैया, इसलिए लाया हूँ ताकि तू कसम खा ले कि आज के बाद चोरी नहीं करेगा, और इसलिए तुझे भगवान की कसम खानी पड़ेगी। अरे ये कृष्ण भगवान भी माखन ही चोरी करते थे भैया, माखन। लेकिन बदकिस्मती से तू उनके लेवल का नहीं है, इसलिए अब तू ज्यादा नाटक मत कर और चुपचाप मेरे साथ चलता रहे, चल जल्दी। कसम खाना ही पड़ेगा क्या भैया? मेरा मतलब वो नहीं था भैया, वो भैया भैया यहाँ क्यों रुक गए? ए, वो कौन है तुझे याद है?
राधा है अपने अंकल की बेटी। नहीं रे, मेरे लिए वो है और तेरे लिए भाभी है। अच्छा अच्छा, सच बताओ ये सब कब से चल रहा है भैया? जब से मैंने होश संभाला है। यार बचपन से मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। मैं 20 साल पहले जब ये गांव छोड़कर चला गया था, तब अपना दिल मैंने राधा के पास ही छोड़ दिया। भैया भाभी को बताया नहीं क्या? बताना तो चाहता था लेकिन वो भूल गई यार। भैया 2 दिन पहले मैं जिस घर में चोरी करता हूँ वो भी भूल जाता हूँ, तो फिर 20 साल पहले की बात भला भाभी को कैसे याद रहेगी? सही कह रहा है। भैया क्या सोच रहे हैं भैया? अरे बचपन में उसे मंदिर लाता था और वो घंटी नहीं बजा पाती थी। अच्छा। तो मैं उसे गोद में उठाता था फिर जाके वो घंटी बजाती थी। उस दिन तो भैया एक आइडिया, बचपन की तरह भाभी को एक बार फिर से उठाकर घंटी बजाओ तो उन्हें एक एक करके सारी बातें याद आ जाएंगी भैया। सच में याद आ जाएगा? फ्लैशबैक में चली जाएंगी वो। तो जाऊं क्या? बिल्कुल भैया चलता हूं। जाओ रुक क्यों गए? लेकिन अगर वो मारेगी तो? मंदिर में ऐसा नहीं होगा भैया, आगे भगवान है और पीछे तुम्हारा भाई खड़ा है, जाओ। यस। मंदिर में ये सब करते शर्म नहीं आती? और अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ बदतमीजी करता है? उठा है तो मार दियो, गिरा है तो मार दियो, क्या करूँ मैं? अगर मंदिर में दोबारा ऐसी हरकत की ना तो जान से मार दूंगी, समझा? बचपन में इनसे भी घंटी बजवाते थे। तेरी भाभी बहुत अच्छी है। कैसे पता लगाया? उसके सामने मैंने पराई औरत को उठाया लेकिन वो शक करने की बजाय कैसे हंसते हुए जा रही है, देखा? इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? लेकिन भैया आप भाभी से बात नहीं कर पाए, मुझे बहुत दुख हो रहा है भैया। अबे यहाँ पर पब्लिक डिस्टर्ब कर रही है, इस बार प्राइवेटली करूंगा। ये क्या बचपना है रघु, कितनी बार कहा है इस तरह का मजाक मेरे साथ मत किया करो। इसमें मजाक की क्या बात है, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ तो गुजारनी है। बोलने में ये सब अच्छा लगता है, अगर किसी ने देख लिया होता तो क्या होता? वो ये सोचते कि दोनों प्यार करते हैं फिर शादी कर लेंगे और क्या। तुम्हारे और मेरी सोचने से कुछ नहीं होता, जब तक नौकरी नहीं लग जाती पापा ऐसा नहीं होने देंगे। यही सोच रहा था कि तुमने बोलने में इतनी देर क्यों लगा दी, हमारे प्यार को 2 साल हो गए हैं लेकिन तुमने प्यार के 2 शब्द नहीं बोले। जब देखो नौकरी नौकरी नौकरी। गुस्सा मत करो रघु, परसों जब पानी भरने गई थी तब एक औरत ने मुझसे पूछा शादी करके बच्चे पैदा करोगी या बच्चे पैदा करके शादी करोगी, मुझे कितनी शर्म आई थी पता है? अरे मेरी माँ, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, जब मुझे नौकरी मिलेगी मैं तुमसे तभी मिलने आऊंगा, उससे पहले कभी मिलने नहीं आऊंगा, ठीक है? रघु। अरे हमने इतनी मुश्किल से मिलाया इसीलिए क्या? प्यार का मतलब तू जानता है क्या? नहीं तो प्यार मत कर। ए, तुम क्या कहना चाहते हो? प्यार करने वाले ऐसी बातें करते हैं क्या? अगर प्यार करना है तो सलमान खान की तरह करो। शाहरुख खान की तरह नहीं, जिंदगी भर हंस कर रहना चाहिए, मुंह लटका कर घूमने से कुछ नहीं होता। चलो 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 जी। अरे हंस कर रहो, हाथ मिलाओ, ये लो अभी खुशी खुशी रहना है, ऐसा वादा करो। चलो चलो वादा करो, वादा करो। बहुत अच्छे। कमाल है, इतने कपड़े समेट रही हो, कहाँ जा रही हो दादी? जब कहीं जाते हैं तो पूछते नहीं। ओहो तो ये बता दो कि ये कपड़े लेकर कहाँ जा रही हो? तिरुपति। दादी तुम बहुत स्पीड में जा रही हो, 2 साल रुकोगी तो सीधे भगवान के पास ही चली जाओगी। इतनी जल्दी जाने की क्या जल्दी है दादी? कितनी बार कहा है तुझसे, तेरी और राधा की शादी हो इसलिए मन्नत मांगने जा रही हूँ। सच में? और नहीं तो क्या? तो फिर यहाँ पर क्या कर रही हो दादी? जाओ। अरे स्पीडेस्ट ग्रैंड मदर। चलो बताओ नारियल कहाँ लेकर जा रहे थे, इससे पहले भी चोरी किए क्या? बताओ नहीं तो हफ्ता भर मारूंगा तुम्हें। ये चांस नहीं मिलेगा, अगर तुम मारेगा ना तो हम लोग 1 घंटे में ही मर जाएंगे। मर जाओ, मर जाओ। अरे क्या हो, क्यों मार रहे हो? भैया इन लोगों ने नारियल चुराई थी।
अरे हनुमान भैया वो छड़ी जरा इधर देना। ये लो भैया। तेरी तनख्वाह कितनी है? यही कोई भैया 4-5 हजार महीने की होगी। अभी महीने का 10 हजार ले लेना। ठीक है भैया, अब इनकी खाल उधर दूंगा। चल अब तेरी तनख्वाह कितनी है बता? 10 हजार। तो एक काम कर 25 हजार ले ले। ठीक है भैया, इनकी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा। ठीक है 35 हजार ले ले। और भी ठीक है भैया, इनको मार कर जमीन में दफना कर जेल चला जाऊंगा मैं। हाँ तो चल अभी दे दूंगा मैं तुझे। ठीक है अब अगर मुझे छुआ ना दीदी को बता दूंगा, फिर देखना क्या हाल होगा। तेरे दीदी की ऐसी की तैसी में बहुत नाटक दिखा रहा है। दीदी को क्या समझ के रखा है, राधा दीदी है वो। राधा? हाँ दीदी ने भेजा इसलिए हम यहाँ पर आए। तुम्हें मेरी राधा ने भेजा है? मेरे कवर जी के खेतों से नारियल लेकर आओ ऐसा कहा था। हमने कहा कि हनुमंत होगा वो बहुत। दीदी ने कहा हमारा उन खेतों पर हक नहीं है क्या? उसने हक की बात की। हाँ। ये बात तुमने हनुमंत को नहीं बताई? बताई थी ना, लेकिन ये सुनते ही नहीं, ये बस मार रहे। अरे हनुमान। हाँ भैया। ये खेत किसका है? अपना है भैया, आपका है। फिर तूने मारा क्यों? चोरी किया था इसलिए। चोरी की इसलिए मारा? बहुत चर्बी चढ़ गई है। इनकी शक्लें देखो, ये चोर नजर आते हैं क्या? देखो ए, छोटे बच्चे भगवान के समान होते हैं, इन्हें मारना नहीं चाहिए, इतना भी नहीं पता। अच्छा आप बता तेरी तनख्वाह कितनी बढ़ाई थी? 30 हजार। अभी 30 में से 3 निकाल दे भैया, बाकी के तेरे हो गए। क्यों बे, तू अपने आप को जैकी चैन समझता है क्या? रुक तुझे दिखाता हूँ ब्रूस ली कैसे फाइट करता है। भैया तेरी तो क्या रे, तूने राधा दीदी का नाम क्यों लिया? जब इसने पहली बार राधा दीदी को देखा था तो इसके चेहरे पर बल्ब जला था, लगता है बहुत पसंद करता है उन्हें, इसीलिए फंसा दिया। राधा दीदी का नाम लेकर क्या फर्क पड़ता है? मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, मैंने उसको बहुत मारा। इस बारे में अपनी दीदी को मत बताना। नहीं बताएंगे, बताएंगे। ए, राधा तुम लोगों के बहुत क्लोज है। हम कहेंगे कुएं में कूद जाओ तो कूद जाएगी, इतने क्लोज है। अब बस तुम्हारी जरूरत है और कोई नहीं चाहिए। अभी राधा को और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सीधे मुझे बोल देना। ठीक है जीजा। जीजा वो हमारी दीदी है तो आप तो जीजा हुए ना। साले अब यहाँ मूर्ति की तरह क्या बैठा हुआ है तू? दीदी को लाने की बात की थी ना, अब अगर वो आ गया तो क्या करेंगे हम? चुप हो जा, आखिर तो चाहता क्या है? उसको बेवकूफ बनाना है, हम पर भरोसा करके हमें और खिलाना चाहिए, हमें और खरीदारी करनी है, उसको हम नजर नहीं आने चाहिए। कोई जरूरत नहीं, वहाँ देखो वहाँ। Feel my love. अरे वो आ गया, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। लेकिन उसे बोलेंगे क्या? गुड मॉर्निंग सालो, दीदी कहाँ है? वो घर पे है। क्यों अभी तक निकली नहीं? 3 बजे उन्होंने मुंह धोया, 4 बजे गले में नेकलेस पहना, 6 बजे साड़ी पहनी। 6 बजे साड़ी फट गई? नहीं रुक गई। क्यों बिल्ली ने रास्ता काटा? नहीं उसका बाप। क्यों मतलब मेरी राधा नहीं आएगी? दीदी नहीं आएगी तो क्या हुआ, ये लेटर दिया है, कहा इसे पढ़ लेना। सुनिए जी, मेरे सामने अकेले आते हो, मौका देखकर कमर में हाथ डाला, शैतान कहीं के, 4 लोग देखेंगे इसलिए मैंने आपको पंच मार दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन आपके साथ जोड़ी में सिर्फ मैं ही अच्छी लगती हूँ। अरे बापरे, पढ़ने में मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, तो तेरी दीदी को लिखने में कितनी बहुत हुई ज्यादा। होगी? 2 दिन पहले मेरी सहेली रजनी और मनीषा सबको मंदिर दिखाने के लिए लाई थी, तब मैंने तुझे ढूंढा। अबे क्या बे, मैं तो उनके सामने ही खड़ा था। नेक्स्ट वही है जीजा, पढ़ो तो। ओहो, आप हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। आपकी बत्ती सी दिखती रहेगी तो मैं अपनी सहेलियों को बता सकूंगी कि आप वो हैं और मैं आपको चूम सकती हूँ। अरे बाप रे, अरे तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, जरा उधर घूम जाओ। ठीक है ठीक है। अरे बचाओ, अरे तुम्हारी दीदी थोड़ी शरारती है रे। कल मेरे पापा शहर जा रहे हैं, अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो रात भर वो घर नहीं आएंगे, तो अगले दिन हम गांव के बाहर मिलते हैं। एक मौके सोचना, इस लेटर को भेजने वाले बच्चों को 100-200 देकर भेज देना, दूसरी बार लेटर लिखने के लिए। नहीं नहीं, बाकी तो मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, धन्यवाद लेटर भेजने के लिए तुम्हारी 1000 कंडोम के साथ। नहीं नहीं जीजा जी, 1000 के? ओहो अच्छा, कंडोम नहीं बल्कि किसकी बात कर रहे थे? तुम्हारी दीदी इंग्लिश में वीक है क्या? या!
तू वहाँ पर अपने घर पर है, मैं यहाँ पर इधर हूँ खड़ा, और हमारे बीच में है तेरा बाप। अरे ये क्या फील माय लव। ए, अरे ये क्या यार, पैसे दिए भी नहीं चला गया। एक बात बताओ, क्या हम लोग जिंदगी भर खाली इस तरह प्यार ही करते रहेंगे? और नहीं तो क्या, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती पापा हमारी शादी नहीं करवाएंगे। नहीं राधा, इस बार मैं एमएलए के साथ अपनी एमएलए क्या होगा, 2 साल से एमएलए तेरी सिफारिश कर ही रहा है। मेरी बेटी मेरी जान है, और वो तुमसे इसलिए प्यार करती है क्योंकि मैंने अब तक सब्र रखा है। प्यार करना कोई मर्दानगी नहीं, उसको निभाना बड़ी बात होती है। प्रसाद खिलाकर कब तक निभाओगे? 10 जनों को न्याय दिलाता हूँ मैं, मुझे उन 10 लोगों के बीच में खड़ा मत कर देना। 1 महीने का समय दे रहा हूँ, कहीं नौकरी हासिल करो, मैं तुम्हारी शादी मंदिर में करवाऊंगा, नहीं तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और देखूंगा। लोटे के अंदर फूल, मेरे साथ तू और तू मेरा प्यार, असल में ये जगह कैसे ढूंढ ली यार। आह, कितनी शांति महसूस हो रही है यहाँ पर। अच्छा हुआ कि मैं पानी लेकर आ गया, नहीं तो फूल मुरझा जाता। भैया यहाँ क्या कर रहे हैं भैया? अरे बाप रे, यहाँ पर इतनी गंदगी कैसे आ गई? गंदगी है वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ कर क्या रहे हैं? तेरी भाभी आने वाली है ना। इधर। अरे किसी को शक ना हो जाए इसलिए मैंने ये जगह चुनी है, लेकिन अभी तक वो आई नहीं। चोर पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं आई, इसका मतलब ये है कि पुलिस घर के बाहर और लड़की घर के अंदर है। ये बात है। अंकल के जाने के बाद तो वो आ जाएगी ना, वेट करते हैं। लेकिन अभी तो भाभी के पास जा सकते थे। मैं? हाँ। अरे बाप था इसलिए भाभी नहीं आई, लेकिन बाप के जाने के बाद भाभी क्यों नहीं आई ये तो पूछ सकते हैं। अरे सही बोला यार, तेरी बात में पॉइंट है। वही तो। ठीक है मैं जाके आता हूँ। भैया लोटा लेकर जाएंगे तो गांव वाले कुछ और समझेंगे, फूल लेकर जाइए। अगर लोटा लेकर कोई चला गया ये तो चांस किसी को नहीं दूंगा। ठीक है संभाल के। कितनी बार तुमसे कहा है उस रघु के साथ घूमना फिरना बंद कर दे, उम्र हो गई है तुम्हारी, इस तरह पराए मर्दों के साथ घूमते हुए तुम्हें किसी ने देख लिया तो कितनी बदनामी होगी हम लोगों की। अरे बापरे, अरे तुम लोगों की शादी करवाऊंगा कह दिया ना। थैंक यू अंकल। अरे इस तरह से छिप छिप कर मिलना और बातें करना जरूरी है क्या? अरे आपको हमारा दर्द क्या पता अंकल जी। मेरी बात सुन बेटा, जब तक शादी नहीं हो जाती उससे मिलना बंद कर दे। देखते हैं ना। देखो बेटी, कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो 4 लोगों के सामने बदनामी होगी। अरे यही तो चलती है मेरी, तुम्हारा जमाना अलग था हमारा अलग है। तुम्हारा लेटर बच्चों के जरिए इधर उधर करते हैं ना, उनको मारना चाहिए। खुद तो कुछ करते हैं नहीं और अब बच्चों को मारने की बात करें। सुनो आप चिंता मत करो, 1 महीने में नौकरी नहीं मिली तो राधा दीदी की शादी कहीं और करवाएंगे ना, समझो नौकरी मिल गई। जो नौकरी 2 महीने में नहीं मिली वो इतनी जल्दी कैसे मिलेगी? हम दिलवाएंगे ना। तुम लोग? हाँ। अरे हमने राधा दीदी का प्यार तुम्हें दिया है, आफ्टर ऑल एक नौकरी नहीं दिलवा सकते क्या? मैं तेरा हीरो, तू मेरी हीरोइन। अरे आप टेंशन मत लो, जाकर शादी की तैयारी करो, बाकी हम पर छोड़ दो। ए फॉलो मी। अरे चलो ना यार। जीजा आ गया। अरे दीदी ने जहाँ बोला था वहाँ आई थी क्या? नहीं आई। कैसे आती, हमें पैसे दिए बिना ही चले गए थे ना। अरे इसलिए तो मैं उसके घर चला गया था। ऊपर गए थे? दीदी ने आपसे बात की क्या? नहीं यार, अंकल ने डांटा। तुमको? नहीं नहीं राधा को। समझ गया मैं। किसको? तुम दोनों को मिलाने के लिए मैंने कितनी ट्राई की थी, लगता है कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ी गड़बड़। क्या? तुम्हारा नाम क्या है? राम। और दीदी का नाम क्या है? राधा। यही तो, आपका नाम है राम और उसका नाम है राधा, नाम ही मैच नहीं होता, कैसे चलेगा? हाँ जीजा, राधा कृष्ण की फोटो होती है, राम सीता की फोटो होती है, राम और राधा की फोटो कहीं होती है क्या? क्यों पापा जी आप इतने बेवकूफ हो, मुझे आज पता चल रहा है। थू? आपको मुझे पालना भी नहीं आया और ना ही मेरा नाम भी रखने आया। जाने दो जीजा, अभी छोड़ दो। तो अभी हम क्या करें, मेरा नाम कृष्ण रखना चाहिए था ना।
अरे मेरा नाम राम रख दिया, वो मेरे बाद पैदा हुई थी तो उसका नाम सीता रखना चाहिए था। नहीं रखा। अरे मेरे बाप ने जिंदगी में एक काम भी ठीक से नहीं किया है। अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते ना जीजा। अरे क्यों नहीं कर सकते, उसने रख दिया तो हम नहीं बदल सकते। हाँ। कल पंडित जी को अपने घर बुलाकर दोबारा अपना नामकरण करवाऊंगा और अपना नाम कृष्णा रखूंगा और अपनी राधा के साथ रासलीला करूंगा। सही कहा। आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। बेटा तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे पिताजी को मरे हुए आज पूरे एक महीने हो गए, तो तुम अन्न दान, स्वर्ण दान, कपड़ा दान करोगे। अगर मैं दान करूंगा तो मुझे दान लेने की जरूरत पड़ जाएगी। चलो। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, अब से मेरा नाम राम नहीं है, कृष्णा है। सारे नगर वासियों को सूचित किया जाता है, रंगानगर के शांता देवी का पोता कल तक जो राम था आज से कृष्ण है। इस गधे को क्या हो गया? चलो चलो अंदर चलो चलो। अरे राधा बाहर आ गई, जोर से बजाओ बजाओ रे। अरे जोर से बजा रहे बजा रहे हो। अरे राधा आ गई, शुरू करो शुरू करो। दीवाने आ गए, राधा राधा आ गए, आ गए। मैं तुम्हारा कृष्णा। दीवाने आ गए। अरे पागल गई है। अरे वो चली गई। भाई अबे राधा आकर चली भी गई, तू कर क्या रहा था? तू गाना क्यों नहीं गाया? बत्ती से तोड़ दूंगा तेरी। भैया खून के रिश्ते का भाई होते हुए भी आप इस पर यकीन कर रहे हैं? अगर मैंने अपना गाना शुरू कर दिया तो भाभी नागिन की तरफ बल खाती हुई बाहर चली आएगी। भैया बल खाती हुई आएगी तो देर हो जाएगी, तू ऐसा कुछ करके वो भागती हुई आ जाए। माइक ला रहा है, तुझे तो एक फाइट। कृष्णा तेरे बस की बात नहीं है, ये शुरुआत है भैया, बस देखते जाओ। दिल मेरा तोड़ के, दिल मेरा तोड़ के कहाँ जा रही है, दिल मेरा तोड़ के कहाँ जा रही है, दिल मेरा तोड़ के कहाँ जा रही है, तू गली में जा, तू गली में जा, मैं तेरे पीछे आसपास के फालतू लोगों को लाकर हमारे गांव को बिगाड़ रहा है। पड़ोस के गांव का इसलिए सिर्फ चप्पलों से मारा है समझा? नहीं तो हालत खराब कर देते इनकी। भैया इतने घरों में चोरी की आज तक ऐसे मार नहीं खाई, भला कोई ऐसे मारता है किसी को? वैसे भैया तुमको इतना घटिया आइडिया दिया किसने? जो होना है वो हो जाएगा, अब क्या सोचना, जो होना है। मेरी एंट्री ऐसी होगी सोचा नहीं था ना गधा कहीं का। कृष्णा नाम रखेंगे तो राधा आएगी बोला था ना, वहाँ कुछ देर और रहता तो पब्लिक पत्थर मार देती। अरे नाम बदलने के लिए कहा था, ऐसे कार्टून बनने के लिए थोड़ी कहा था। मुझे तो ये डाउट हो रहा है कि दीदी ने तुम्हें पहचाना ही नहीं होगा। बात तो सही बोल रहा है। अरे तुम मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ नहीं सुना है। एक बात तो सुनो, मुझे कुछ कहना है तुमसे। उसका नाम रघु है। क्या करता है वो? कुछ भी नहीं करता जीजा, पूरे गांव में सबसे पढ़ा लिखा लड़का वही है, और उसके पास नौकरी भी तो नहीं है। नौकरी नहीं है तो ऑफिसों के पीछे भागना चाहिए, लड़की के पीछे क्यों भाग रहा है? बाप से सिफारिश के लिए। बच्चा चाहिए तो औरत को पति के आगे पीछे घूमना चाहिए, मंदिर के आगे पीछे घूमने से क्या होगा, इसका किस्सा भी वैसा ही है। तुम लोगों ने सही बोला, लेकिन फिर भी मैं राधा से जाके पूछता हूँ। जाओ पूछ लो, आज ही तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। शक करने वालों से दीदी को सख्त नफरत है। दीदी से पूछ ले। बच्चा पार्टी को यार, अबे मेरा दर्द क्या है पता है? क्या है जीजा? अरे वो दिखने में मुझसे भी ज्यादा हैंडसम लगता है, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी है और मुझसे ज्यादा होशियार भी है। कहीं वो राधा के आगे पीछे घूमकर उसे मुझसे छीन ना ले, इस बात का डर है यार। जीजा जी का शक्कर ना ठीक है, वो जो लड़का है वो कितना हैंडसम है, फिर जीजा जी को तो परेशानी होगी ही ना। दीदी उसके साथ भाग गई तो वो दीदी का पीछा छोड़ दे, इसलिए इन्हें क्या करना चाहिए, बस एक छोटा सा काम, उसको एक छोटी सी नौकरी दिलवा दीजिए, फिर देखना। फिर वो मेरे आगे पीछे घूमेगा? राधा ओ राधा सुनो मेरी राधा, कल ही मैं उसको काम दिला दूंगा, कल ही मैं उसको काम दिला दूंगा। भगवान ये सब कब तक चलेगा? किस्मत दरवाजा खटखटाती है, मैंने सुना था, मेरे दरवाजे में वो दस्तक आखिर कब देगी भगवान? अभी। आप कौन है? किस्मत वाला भगवान। सर आप रंगमपेट के प्रेसिडेंट के बेटे हैं ना? बिल्कुल। यहाँ क्या काम है आपको? तुम्हें काम देना है, इस काम से आया हूँ। सर? हाँ बिल्कुल, तुम नौकरी के लिए परेशान हो मैंने सुना है। तुम जैसे पढ़े लिखे बेकार लोगों के पास नौकरी नहीं है, और ये बात सुनकर मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है।
इसलिए तुम्हें हमारे राइस मिल में मैं मैनेजर की पोस्ट देता हूँ। महीना 5,000 रुपया। सर 5,000? अरे अभी एडजस्ट कर ले, बाद में बढ़ा दूंगा। घर बहुत अच्छा है, खाना तुम ही बनाते हो क्या? और कोई दूसरा नहीं है? और कोई नहीं है सर। शादी होने के बाद ये सब नहीं करना पड़ेगा। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे भाई तुझे नौकरी मिल गई, अब तू लड़कियों के आगे पीछे घूमकर टाइम बर्बाद करने से अच्छा है हमारे पीछे घूम ले और राइस मिल के भी चक्कर लगा ले, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। और तू एक काम कर, तू वहीं पे रह जा, ये गांव तुझे सूट नहीं होगा, तू कल से ही ज्वाइन कर ले। अरे बापरे, एक काम तो हो गया, इसके पास कलर है तो मेरे पास कला है। जैसे को तैसा, हेडिंग अच्छी है। सर मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या हुआ भाई? मुझे नौकरी मिल गई। ऐसा है, खुशी हुई? कौन सी नौकरी है? राइस मिल में मैनेजर की पोस्ट है, 5,000 की सैलरी है, सरपंच जी के बेटे राम ने ये नौकरी दिलवाई है। हमारे राम ने तुम्हें नौकरी दी? सुना ना तुमने। हाँ, अब इसको नौकरी मिल गई, तुम्हारी टेंशन खत्म, अब जल्दी से इसकी शादी करवा दो। भूषण जी 2-3 दिनों तक मुहूर्त अच्छा है, ये निकल गया तो आगे शुभ मुहूर्त है ही नहीं। ठीक है, जल्द से जल्द करवा देते हैं। लॉर्ड गणेशा, सन ऑफ शिवा, ब्रदर ऑफ कुमार स्वामी, अभी तो आपको पता चल गया होगा कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। अगर कोई लड़की छेड़ता है तो या तो उसको मारते हैं या मार खिलाते हैं, और उसके बाद फिर वो बेचारे लड़कों की लाइफ बर्बाद होती है, लेकिन मैं उनको नौकरी देकर उनकी लाइफ सेटल करता हूँ। किस लिए पूछो तो सही। क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। आप किसी भी तरह से रघु की शादी करवा के वो इस गांव से अपनी वाइफ के साथ चला जाइए, अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, उसके बाद मेरे मन को शांति मिलेगी। फिर उसके बाद देखना कि मैं लाइफ में क्या क्या कमाल करके दिखाऊंगा, आप खुद ही कहेंगे ए मेरे भाग, और मैं आपके लिए लड्डू लेके आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। आप मुझे कितना पसंद करते हैं ये मुझे अभी पता चला। पिताजी ने शादी के लिए हाँ कर दी है, कल सगाई है और परसों शादी है, और ये बात आपको बताने के लिए मैं यहाँ खुद आई। राधा तुम जो कह रही हो वो सही है, अगर शक हो रहा है तो खुद को चिमटी काट लीजिए। तेरा मंदिर मैं मार्बल से बनवा दूंगा भगवान। माँ जैसा आप सोचती थी वैसे ही राधा से मेरी शादी होने वाली है, आज ही सगाई है। सुनो माँ, शादी होने के बाद बच्चों को टाइम पे पोलियो ड्रॉप पिलाऊंगा माँ, बस आप खुशी खुशी मुझे आशीर्वाद देना माँ। आपके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, बस मुस्कुरा दो आप, उतना ही काफी है, है? अरे भूषण जी बहुत बहुत बधाई। अरे तू देख रहा है ना, नजर ना लग जाए। भैया तैयार हैं? भैया बॉबी ने इस गेटअप में आपको देख लिया तो फिदा हो जाएगी। अरे बात मत करिए, जल्दी टाइम नहीं है, चल चल। छे छे, कोई धूम धड़ाका नहीं, ऐसे शांति से सगाई हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, उसे देखिए वो भी धूमधाम से लेकर के जा रहा है। अरे वो चल के नहीं जा सकता ना, देख थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, वॉकिंग डिस्टेंस है, हमारा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। कुछ भी बोलिए भैया, अगर आप मुझे पहले बोलते तो मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता ना। अरे वो इंतजाम तो तू बाद में कर देता। अरे मैंने सगाई के लिए अंगूठी खरीदी थी, कहाँ रही? आपने खरीदी थी ना। अरे वो माँ की फोटो के सामने रखकर भूल गया। मैं चलकर अंकल के घर जाता हूँ, तू भाग के जल्दी से अंगूठी ले गया। ठीक है, चला जाना। भैया हम कितनी दूर से आए हैं, एक बार दामाद का चेहरा तो दिखा दीजिए। हाँ दिखा देंगे भाई। सर 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 नमस्ते सर, मैं आपके पास ही आ रहा था। अरे कल ही तो नौकरी दिया और आज तनख्वाह के लिए आ भी गए तुम? तनख्वाह के लिए नहीं सर, नौकरी मिलते ही मेरी शादी तय हो गई है, आज सगाई है और कल शादी है सर। बड़ी खुशी की बात है, एक बात पता है तुम्हें, आज मेरी भी सगाई है और कल ही शादी होने वाली है। सच में सर? कांग्रेचुलेशंस सर। ठीक है तुम आज शाम को आ जाना, शादी है ना, कुछ पैसे दे दूंगा तुम्हें, कुछ खर्चे के काम आएंगे। क्या है कि सर आज शाम को मेरी सगाई है तो आपको आना ही होगा। मुझे आना है? आपकी वजह से नौकरी मिली है इसलिए दुल्हन ने आपको खास तौर पे बुलाया है। लेडीज सेंटीमेंट है क्या? ठीक है, मुहूर्त कितने बजे का? 10:30 बजे का। 10:30 बजे का, तभी तो भगवान मुझे बुलाएगा तो भी नहीं आऊंगा। अरे मेरी सगाई भी उसी वक्त पर होने वाली है। ऐसा मत कहिए सर, अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। अरे मैं नहीं जाऊंगा ना तो मेरी जिंदगी की बैंड बच जाएगी, समझ गया? प्लीज सर, मेरा और कोई नहीं है सर। अरे तू बहुत इमोशनल कर रहा है यार। ठीक है बस मैं एक ही मिनट वहाँ पे ठहरूंगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुन, सुहागरा सेम डे पे मत रखना, समझा? अच्छा चल। नमस्ते भैया। हाँ
सब बढ़िया से अंकल। ठीक है आप। रात को तुम्हारे घर पर गया था, पता चला तू शहर गया है। हाँ अंकल, वो आज सगाई है ना, तो कुछ सामान वगैरह लेने के लिए शहर गया था। कोई बात नहीं, और राधा के लिए शादी का जोड़ा भी ऑर्डर कर दिया है, वो घर पे आ जाएगा तो रख लेना। ठीक है। गहने भेजे थे, वो राधा को पसंद आए क्या? वो मेरी माँ के गहने थे। ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती, तू वाकई बड़ा हो गया है। अंकल जी, राधा तो मुहूर्त 10:30 बता रही थी। अरे बेटा, मुहूर्त तो निकलते ही रहते हैं। हाँ। पंडित जी बता रहे थे आज का पूरा दिन। हाँ, अच्छा वो बात तो है। हाँ, हाँ, आ रहा हूँ। अरे रघु, हाँ। इनको बिठाओ जरा। अब अंकल। हाँ हाँ। ये होने के बाद वो ना, सब इंतजाम हो गया है। हाँ। हाँ। भूषण जी क्या पूछ रहा है ये? अरे सगाई के बाद खाने के बारे में पूछ रहा है, और क्या पूछेगा। अच्छा अच्छा, आइए। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? हाँ, कोई बात नहीं अंकल जी, इधर है तो मैं वहाँ जाके क्या करूंगा। अच्छा चलो बैठते हैं जी, जरा आराम से बैठते हैं। अरे बाप रे, यहाँ अंकल जी को देख लिया तो मेरा सारा टेंशन दूर हो गया। वैसे ये बता, तेरा लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? शर्मा रहा है मतलब लव है क्या? ऊपर से तो तू रणवीर कपूर के टाइप का लग रहा है, लेकिन अंदर से इमरान हाशमी है बिल्कुल। कब से चल रहा है तुम्हारा ये प्यार? 2 सालों से। ओए होए, क्या शर्मा रहा है? अबे 2 साल के प्यार के लिए इतना शर्मा रहा है? तो सोच मुझे कितना शर्माना चाहिए, मेरा प्यार तो 20 साल से चल रहा है। यही वो जिससे मेरी शादी होने वाली है। कैसी है मेरी पसंद? जजमान, लड़के की तरफ से शगुन कौन लेगा? अरे रामू बेटा इधर आओ। ये शादी हो रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा रामू है, इसलिए शगुन भी वही करेगा। जजमान ये लो शगुन। होने वाले पति पत्नी अपने बड़ों का आशीर्वाद दे लो। अरे नहीं नहीं नहीं, पहले रामू का आशीर्वाद लो। हाँ भैया इधर हो, सुबह से आपको पूरे गांव में ढूंढ रहा हूँ। घर चलिए रे भैया, चलिए रे भैया, चलिए। भैया भाभी की सगाई हो गई, इस बात को लेकर के आप दुखी हैं ना? अभी उनकी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है भैया। लेकिन राधा को मैं पसंद नहीं हूँ ना। पर आप राधा को पसंद करते हैं ना? आप जिसे पसंद करते हैं उसके गले में कोई और मंगलसूत्र बांधे, ये मैं देख नहीं सकता। कल सुबह जो शादी गांव वाले देखना चाहते हैं वो होगी ही नहीं। भाभी के गले में मंगलसूत्र आप ही बांधेंगे। ये क्या बात कर रहा है तू? बिल्कुल सच भैया, कल आप भाभी को आशीर्वाद नहीं मंगल सूत्र पहनाएंगे, मेरा वादा है। चलिए मेरे साथ। नमस्ते, आइए। भैया तुम्हारे प्यार में सच्चाई है, सब कुछ अच्छा ही होगा, आप आगे बढ़िए। अरे बाप रे अंकल जी, भैया मैं निकलता हूँ। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ खड़े खड़े देख रहा हूँ खाना कैसे बना। अरे कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ इतने सारे लोग हैं, सबको सर पर बैठा कर रखूंगा? अरे ये सब इनका काम है, तुम चुपचाप अंदर जाओ और मेहमानों को देखो, उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। चलो जाओ जाओ जाओ। हाँ हाँ नमस्ते।
ए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, मैं आपकी बेटी की शादी में नहीं आया हूँ। और वैसे आपने मुझे बुलाया भी कहा था? गाँव वाले पूछ रहे थे कि तुम्हें शादी में क्यों नहीं बुलाया, बस इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अरे तू भी पागल है क्या? तू कोई पराया है जो निमंत्रण कार्ड देकर और तिलक लगाकर बुलाऊंगा? अब ये मिट्टी से खेलना बंद कर, जाकर शादी का काम दे। अब आपने बोल दिया ना अंकल जी, अब देखिए मैं क्या करता हूँ। अरे मुहूर्त बीता जा रहा है, दुल्हन को लेकर के आओ। क्यों रे, रात को तूने मर्डर किया और अभी शादी कर रहा है? चलो सर, चल, बहुत नाटक हो गया तेरा। मुझे कहां ले जाना है सर? आखिर हुआ क्या है? पुलिस स्टेशन बताता हूं। डॉक्टर साहब, बात क्या है सर? कल रात को इसने काली का खून कर दिया है। क्या? मैं क्यों खून करूंगा सर, उल्टा उसने मुझ पर अटैक किया था। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। देखा ना सर, अभी ये कह रहा था कि इसे कुछ पता नहीं और अब कह रहा है कि उसने इस पर हमला किया। ये घटना घटी कब? कल रात को काली और इसके बीच झगड़ा हुआ और उसके बाद इसने काली को जान से मार दिया और लाश को कुएं में फेंक दिया। पापा, रघु ऐसा नहीं कर सकता। पापा इनसे कहिए ना पापा। देखो बहन, मैं तुम्हारी शादी रोकने नहीं आया। लाश पर जो उंगलियों के निशान है और अभी जो इसने बोला, वो इसे गिरफ्तार करने के लिए काफी है। सर, सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके इस शादी को मत रोकिए। कैसी बात कर रहे हैं भूषण जी, इसने अपने हाथों से किसी की जान ली है और आप इसी हाथों से अपनी बेटी के गले में मंगलसूत्र पहनाना चाहते हैं? गुनाह साबित होने पर इसे उम्र कैद की सजा होगी, आप ये जानते हैं ना? चलो तुम ससुर जी, चलो मेरे साथ। नहीं किया है मैंने, किसी का चुना किया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। पापा, पापा, रघु कुछ उड़ा ले। पापा, 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 प्यार हमारे बस की बात नहीं है, मेरे सर पर लाकर बैठा दिया उसे। अब देख लो क्या किया उसने, जिंदगी खराब कर दी है तुम्हारी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। चल जा यहाँ से, मर जा तू जाकर। भूषण जी, अपने गुस्से पे काबू रखिए, लड़की को लेके अंदर जाओ। सब कुछ खत्म हो गया, मेरी इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल गई, अब मैं कैसे जीऊंगा? अंकल, 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 आपकी इज्जत, मान, मर्यादा, अभिमान, ये कैसी परीक्षा है आपकी? आपकी इज्जत उसने मिट्टी में मिला दी, मिट्टी में मिला दी। मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अंकल जी, आप हिम्मत से काम लेना, अंकल जी हिम्मत से, ज्यादा सोचिए मत अंकल जी। परिस्थिति देखकर मुझे डर लग रहा है कि कहीं आप आत्महत्या ना कर ले अंकल जी, आत्महत्या ना कर ले। देखिए ना, मेरे भाई और मेरे लिए आप इकलौते अंकल है हमारे, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। अंकल, जब तक मेरी सांस है आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आपके पैर पड़ता हूँ, रुक जाइए, हाथ जोड़ रहा हूँ। इसी मुहूर्त पर मैं ये शादी करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। अंकल आइए, आइए मेरे साथ आइए, आइए। बेटा तो बड़ी किस्मत वाली है कि उस होनी से शादी होने से बच गई, वरना बर्बाद हो जाती। बेटा रामू, तू अपने अंकल की इज्जत बचा ले बेटा, तू दिल से जरा सोच। अब मेरी इज्जत, मान, मर्यादा बाजार में नीलाम नहीं होनी चाहिए, तो राधा के गले में तुझे मंगलसूत्र पहनाना होगा। अगर ये शादी रुक गई तो मेरे सामने मेरी मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं खुद को असहाय महसूस कर रहा हूँ। देख रामू, तू मेरा रिश्तेदार है, लेकिन अब तू सच में मेरा दामाद बन जा बेटा, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। आप जल्दबाजी मत कीजिए अंकल, एक बार आप अगर राधा से पूछ लेते तो। अरे वो मेरी बेटी है, उसकी बात मैं क्या सुनूं? उसकी बात सुनना जरूरी नहीं, तेरा उसके गले में मंगलसूत्र पहनाना जरूरी है। अगर राधा को पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं है अंकल। राधा के लिए आपकी बात जितनी मायने रखती है, उतनी मेरी बात भैया के लिए। भैया, 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 अंकल की इज्जत और मान मर्यादा जरूरी है। जाओ और जाकर राधा के गले में मंगलसूत्र बांधो, मैं कह रहा हूं, जाओ, जाओ। अंकल, अब तो आप खुश हैं ना अंकल? नहीं, ये तो मेरा फर्ज था अंकल, फर्ज। बंद
पंडित जी, जहाँ पे मंत्र खत्म किया था वहीं से आगे बोलिए। बैंड बाजा और जोर से बजाओ। बहुत शुक्रिया भाई, तूने टाइम पर अंकल से बात कर ली और मेरी शादी हो गई। वो तो मेरी कार गुजारी। वो रघु इतना कमीना, ये तुझे पहले से पता था? अरे बाप रे बाप, क्या पुलिस का आना, जीप सही टाइम पर आना, अंकल का गिड़गिड़ाना। ये बता, ये सारा इंतजाम इतनी जल्दी कैसे हो गया? बताता हूँ, डिटेल में बताऊंगा तो 3-4 घंटे लगेंगे, तब तक भाभी सो जाएगी। उनको सोने दो, तुम मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, अरे अभी नहीं, अरे इस बारे में हम बाद में बात करेंगे ना। तेरी आंखों में नींद नजर आ रही है, तू आराम से जाके सो जा। अरे नहीं भैया, आपसे ज्यादा जरूरी थोड़ी है, चलिए। अरे सुन ना यार, तू जो भी करता है वो मेरे अच्छे के लिए ही तो करता है। पता है ना, तो जाकर अपना काम करो, होशियार हो जाइए। अरे इतना भी नहीं, इतना हो जाएंगे तो भाभी डर जाएगी। जाइए, ठीक है, सब ठीक है ना? सब ठीक है, आखिर कर दिया ना मैंने ये सब। दुखी मत हो राधा, मुझे अच्छे से पता है, एक से प्यार करने के बाद किसी दूसरे के साथ शादी करने का दुख कितना गहरा होता है, ये बात मुझे अच्छे से पता है। एक बात कहूं तुमसे, इस घर में तुम्हारी मर्जी के बिना इस घर में कुछ नहीं होगा राधा, मैं भी तुम्हारे हिसाब से ही रहूंगा, तुम्हारी इज्जत कभी खोने नहीं दूंगा राधा, और तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। बेटा रामू, रामू बेटा, रामू मेरा बेटा, तेरी शादी हो इसलिए तिरुपति जाकर मैंने मदद मांगी थी, उससे पहले ही तेरी शादी हो गई, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। जब तक तेरा बाप जिंदा था हम लोगों को सर उठाकर कभी जीने ही नहीं दिया, पर तूने एक लड़की की जिंदगी बचाकर अपने अंकल की जान तक बचा ली, इस बात का मुझे बड़ा गर्व हो रहा है बेटा, पर तेरी शादी नहीं देख पाई, हाँ इस बात का बड़ा दुख है। मतलब तुम यहाँ पर सुहागरात देखने आई हो? बंद कर अपना। बेटी राधा, तुम दोनों जब छोटे थे तब इसी घर में खेला करते थे, और मैं तुम्हारे बच्चों के साथ इधर ही खेलना चाहती हूँ। पर अभी हमारे साथ मत खेलो, तुम जाओ यहाँ से। मेरे दादाजी की तरह तुझे भी बहुत चाहिए। अरे दादी, आज जोड़ता हूँ, ये दादी की कहानी सुनाना शुरू मत करो, नहीं तो शुरू होगी तो खत्म नहीं होगी। चलो जाओ यहाँ से जल्दी, चलो चलो बाद में बात करते हैं, चलो निकलो यहाँ से। देख तो बचपन से सुन रहा हूँ दादी की कहानी, बच गया रे बाबा। दादी की बात दिल पर मत लेना राधा, तुम यहाँ सो जाओ। बाप रे, मुझे क्यों मारा रामू, तुझे दर्द हुआ बड़ा। अब समझ में आया, तू पिएगी? आजा आजा आजा, क्या बात है, अब आ रहा है दूध, अच्छे से आ रहा है, वाह, अब तो रुकना मत, ऐसे ही दूध देती रहे। आ,
राधा राधा कॉफी। तुम्हें सुबह कॉफी पीने की आदत है ना, इसलिए सुबह सुबह दूध निकालकर मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से कॉफी बनाई है। लो पी लो, लो लो। अरे पीने का मतलब पीना होता है, डरना नहीं। ये क्या इतनी सुबह सुबह दरवाजा खोल दिया? रामू थैंक्स राधा। देखो देखो और सीखो इनसे कुछ। आते ही सुबह सुबह अपने पति को सबसे पहले कॉफी बना के दी है। हर रोज सुबह मुझे डांटती रहती हो ना तुम, कभी कॉफी लाकर दिए मुझे इस तरह से तुमने दादी? सही कहा, मैंने तो तुझे कभी कुछ खिलाए पिलाए नहीं, ऐसे ही गेंदे जैसा हो गया है। तेरी बीवी आई 4 घंटे नहीं हुए और मुझे पढ़ाई कर दिया। बेवकूफ कहीं का। दादी मुझे डांटना हो ना तो जब मैं अकेले रहूंगा तब डांटना, मेरी बीवी के सामने मत डांटना, ठीक है? बेटी तू जाकर नहा कर आ जा, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। क्यों नहीं। भगवान दादी के सामने मैंने ओवर एक्टिंग कर दी तो उसका कुछ गलत मत समझना। हमारे बीच में क्या चल रहा है इस बारे में अगर उसे पता चला तो वो बेचारी बहुत ही दुखी हो जाएगी। ये लो ना, मैंने झूठा कर लिया ना, इधर ही वेट करो मैं एक फ्रेश चाय बना के लाता हूँ। बेटी राधा, चलिए ना पापा अंदर चलते हैं। नहीं बेटी, तुमसे बात करने के लिए मैं आया। क्या बात है पापा? इस घर में तू खुश तो है ना? मेरी आंखों में आग डालकर बोल। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं पापा? जानता हूं रघु तुम्हारी जान था, तुम दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीते मैंने यही सोचा था, पर वो भगवान उसने तुम्हें इस घर की बहू बना दिया। पिता के बाद अगर कोई होता है तो वो पति होता है, पर मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन मेरी इज्जत जो बाजार में उछल रही थी उस घर की इज्जत बचाई उसने। बहुत ही अच्छा इंसान है वो। राधा बेटी, उस घर से जब तुम इस घर में आई गई हो तो इस घर को ही अपना घर समझना। घर की तकलीफ किसी और से न कहना, ये एक अच्छे बहू के लक्षण होते हैं बेटा। एक लड़की को अपने ससुराल में एडजस्ट होने में कुछ समय तो लगता ही है बेटा। तुम्हारे संसार के बारे में मैं एक पिता की हैसियत से बोल रहा हूं, सोच समझ कर इस घर में एडजस्ट हो जाओ बेटी। ठीक है पापा। अपना ख्याल रखना। जरा जगह देना भाई। थैंक्स। थैंक्स नहीं, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। आपने बोल दिया ना, हंस हो गया। कितनी गंदगी है। आपको होशियार समझता था, ये तो मुझसे होशियारी कर रहा है। अभी बताता हूँ। टिकट टिकट कहाँ का दूँ? क्या सर, आप अंदर से क्या निकाल रहे हैं? सीक्रेट पॉकेट में। उसमें क्या है? टिकट खरीदना है ना। ये क्या, आप बस में भी टिकट खरीदते हैं क्या? आप नहीं खरीदते हैं? अरे मैं तो प्लेन में भी टिकट नहीं खरीदता हूँ। प्लेन का टिकट नहीं खरीदते तो भी आप बैठ जाते हैं? अरे वो बीच में उतार कैसे सकते हैं? सुपर गुरुजी सुपर, आज आपको मान गया मैं गुरुजी। तो आप टिकट नहीं खरीदोगे ना? नहीं खरीदूंगा, आज से कभी नहीं खरीदूंगा। वेरी गुड। टिकट टिकट कहाँ का दूँ? खरीद लिया चलना। अच्छा अच्छा, आपको कहाँ का दूँ? अब ये कमीना फंसेगा। देखा कैसे फंसाया? टिकट दिखाओ जरा। हे कंडक्टर, दिमाग नहीं है क्या? जहाँ पे दिल किया वहीं बस रोका और किसी को भी बिठा लिया। ये सब क्या है? कहीं वो चोर होंगे तो? हेलो, वो चोर नहीं है, टिकट चेकिंग वाले हैं। तुम्हारा टिकट कहाँ है? दिखाओ। अब क्या होगा? अरे तुमने टिकट नहीं खरीदी ना? रास्ता बताइए गुरुजी। नमस्ते सर। नमस्ते। टिकट दिखाओ। ये देखिए सर, तुमने टिकट लिया था? तुम्हारा टिकट कहाँ है? वो क्या है कि
क्या टिकट नहीं लिया? नहीं लिया सर। मैंने पूछा क्यों नहीं लिया तो बोलता है तू पागल है क्या, टिकट कैसी की तैसी, बस में कोई टिकट खरीदता है क्या, मैं तो प्लेन में भी टिकट नहीं लेता हूँ, ऐसा बोल रहा था। मैंने कहा चेकिंग वाले आएंगे तो बोला चेकिंग वाले की ऐसी की तैसी, उन्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ, वो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, ऐसी बातें ये कर रहा था। ऐसा बोला? ऐसा नहीं बोला तूने, आपके सर की कसम सर, ले जाइए इसे। अब हम तुम्हें बताते हैं कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं। मुझसे पंगा ले रहा था, मेरे सामने बड़े बड़े नहीं टिकते, और तू तो अभी बच्चा है, देख तेरा क्या होगा। क्या कर रही हैं दादी जी? जरा गर्म पानी कर रही हूँ। मैं जब से आई हूँ मुझे कोई काम ही नहीं करने देती आप, आप उठिए मैं करती हूँ। अरे बाप रे, तेरे पति को पता चलेगा तो मुझे मार डालेगा। वो कुछ नहीं करेंगे, आप उठिए। चलिए उठिए, मैं कर लूंगी, तू रहने दे बेटा। राधा ये क्या हो गया बेटा? दादी जी लगता है आप पे कुछ आ गया। ये तो मना कर रही थी तुझे, पर तू सुनती कहाँ है, उसे पता चलेगा तो मेरी जान ले लेगा। अरे रामू, अरे क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? आँखों में कुछ गिर गया है देख। चूल्हा फूंकने के लिए बोला किसने था? अरे मेरे नहीं उसके। राधा को हटो। अरे राधा, अरे बुढ़ी तेरी तो ऐसी की तैसी, तुझे तो मैं मार डालूंगा तुझे, अकल नहीं है तुझे? कितनी बार बोला कि उसे काम मत करने दे? मैंने मना किया पर ये सुनती ही नहीं है। आंखों को कुछ हुआ तो मैं तेरी आंखें निकाल के लगाऊंगा उसे। राधा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ। अरे चलो अरे भगवान। क्या प्रॉब्लम है आपकी? आंखों में कचरा गिर गया है। हाँ? अरे मुझे नहीं, उसे देखो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? निकाल दिया तो कैसे दिखाई देगा? हाँ? निकाल दिया? डॉक्टर के आने से पहले क्यों निकाल दिया? अरे आंखों में कचरा चला गया है उसके लिए। भगवान, मैं डॉक्टर क्यों बन गया? अरे इसके लिए कोई डॉक्टर ही पड़ता है क्या? चलो निकलो निकलो। डॉक्टर आप लोग जा सकते हैं, मुझे कुछ नहीं। राधा डॉक्टर जा सकते हैं ना अभी? अरे कहाना, निकालो इसे बाहर। वो टैबलेट देना था तेरे सर पे, बोला ना नहीं चाहिए। आप क्यों रुके हो? मेरी फीस कहाँ है? फीस तुम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। हमने अगर एक बार इक्विपमेंट कहीं भी फिक्स कर दिया ना तो फिर कुछ करें या ना करें, रेट फिक्स है। 5,000 इनका, 1,000 मेरा। अरे बाप रे, आपके 5,000 और इसके 1,000 देना पड़ेगा? देना ही पड़ेगा। ये क्या है? उंगली कितनी है? 5 और 5 मिलाई तो 10 हो जाएगा। इसका सेटल हो गया। आप तुझे चाहिए क्या? मैं डॉक्टर से ले लूंगा। ले लिया ना, अब सामान उठा। अरे बाप रे, सुबह सुबह इसने जतरा खराब कर दिया, जल्दी निकलो यहाँ से। दादी मुझे माफ कर दो। किस लिए? मैं बेवजह आप पर चिल्लाया ना इसलिए। हाँ पहले चिल्लाएगा तू और तेरी बीवी, सही है, तुम दोनों के बीच में मैं ही आ जाती हूँ। अरे बोला ना माफ कर दो दादी, तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ मैं। माफ कर दिया? माफ कर दो नहीं तो तुम्हारे पैर पकड़ के उठा दूंगा। अरे 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 मुझे कुछ हुआ नहीं। तुम गुस्से में कितनी प्यारी लगती हो। पता नहीं क्यों दादी, लेकिन राधा को कुछ हो जाता है तो मैं सहन नहीं कर पाता हूँ दादी। और मुझे कुछ हो जाए तो चलेगा क्या? अल्लाह रे दादी सुनो तो। जा रे। अभी तो तुमने बोला कि तुम्हें गुस्सा नहीं आया और वापस गुस्से में आ गई तुम। मेरी बात तो सुनो दादी। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम्हारा कोई भी नहीं है और तुम अपना लॉयर रखने की हैसियत भी नहीं रखते, ये बात तुमने कोर्ट में कही है, इसलिए तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा। बेल के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी है मैंने, कुछ ही दिनों में तुम बाहर आ जाओगे। जो भी करना है जल्दी कीजिए सर। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, क्या बात है, खेती के पैसे लेकर आए हैं? हाँ माँ जी। कितने हैं? 50,000 रुपए। हर साल खेती के पैसे कम होते जा रहे हैं, बढ़ने का नाम ही नहीं लेते। इतनी जमीन है लेकिन कमाई के नाम पे देखो कुछ नहीं है। हाँ क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। माँ जी आप और आपका पोता भी काम करेंगे ना तो भी इतना पैसा नहीं आएगा। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो किसी और को देख लो, मेरे से नहीं होगा। अरे हिसाब मांग रही हूँ तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? ठीक है हम क्या कर सकते हैं, जो तूने कह दिया वही सही, हिसाब किसे आता है यहाँ, चल दे पैसे। दादी जी एक मिनट। ये रमा जी, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कैसी बात कर रही बेटा, तू इस घर की बहू है, बाद में तो ये सब तुझे ही देखना है ना, पूछ। देखिए 1 एकड़ की खेती से 10 बोरी अनाज आता है, 400 एकड़ के हिसाब से पूरे 4,000 बोरी आना चाहिए। एक पेड़ पर 10 नारियल हो तो 500 पेड़ पर पूरे 5,000 नारियल आने चाहिए। बिजली मजदूरों और पानी का खर्च निकालकर कम से कम 3 लाख तो आने चाहिए ना? मेरी प्यारी बहू कितना अच्छा सवाल पूछा तूने, अभी तक मुझे हिसाब नहीं आता था,
इसलिए बेवकूफ बना है। चुपचाप क्या खड़ा है, जवाब दे इसकी बात का, जवाब दे। चल बता, बता माँ जी, जिस जमीन में अनाज उगता है उसकी बात बोल रही है ये? बंजर जमीन से कैसे होगा ये? खेतों में पैदा हुआ अनाज तुम कितने में बेच रहे हो उसकी रसीद लेकर आऊं क्या? कौन सी चीजें कहाँ बेच रहे हो उसका हिसाब बताऊं क्या? तुम्हारे हिसाब में गड़बड़ी रहती है ये बात हमेशा पिताजी कहते थे। देखो आज के बाद हमारी जमीन पर तुम्हें खेती करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है हम देख लेंगे, तुम जा सकते हो। अरे मेम साहब, आप जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए। जो गलती हो गई वो हो गई, अब आगे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना तुम जा सकते हो। मेम साहब कुछ तो रहम कीजिए मेरे ऊपर, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कल तक आप रघु के साथ घूमती थी, आज आप इस घर की महालक्ष्मी बन के घूम रही है ना। अब रघु के साथ आपने क्या क्या किया ये हिसाब किताब अगर मैं आपसे पूछूं तो पूरा गांव हंसेगा। चलो छोड़ो, जैसे ये बहुत बड़ी पतिव्रता है और ऐसे पतिव्रता की आप पैरवी भी कर रही हैं। अरे ये तुम्हें और तुम्हारे बेटे को बेवकूफ बना सकती है, पूरे गांव को मालूम है कि ये कितनी पतिव्रता है। ऐसी पतिव्रता को अपने सर पे ही बैठा के रखो। अरे भैया छोड़ो, अरे छोड़ दीजिए, अरे भैया, अरे छोड़ दीजिए, छोड़ो, अरे आने चाहिए, इसी वक्त अंदर जाइए। क्या रे, तेरी बीवी ने तुझे मारा इसलिए दुखी हो रहा है? अगर वो नहीं मारती तो तू जेल में चला गया होता उसका कत्ल करके, समझा? नहीं दादी माँ, इस बात का दुख नहीं है कि उसने मुझे मारा। राधा की उसने इतनी बेइज्जती की और उसे मैंने जिंदा छोड़ दिया, इस बात का दुख हो रहा है। तुम्हें पता नहीं दादी, वो जो मुंह में आया वो बोल रहा था। उस गुस्से में मैं कुछ ना कर दूं, उसने मेरे बारे में सोचा। वो देवी है दादी, इससे अच्छी बीवी मुझे नहीं मिल सकती, नहीं मिलेगी। अरे भाई ऑटो वाले, जी सर, रेलवे स्टेशन चलोगे? 50 रुपए लगेगा। 50 रुपए क्यों, मीटर से 18 होते हैं। अरे आजकल बस बंद है ना? बंद है। इस अतरंगी से निकालता हूँ। इससे कैसे बचूं? तुम्हें 50 रुपए चाहिए ना, यहीं रुको। इधर क्यों आ रहा है? कुछ भी कटिंग करके मुझे फिटिंग कर देगा। सर लोनावाला की बस कितने बजे आएगी? सर मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, लोनावाला की बस कितने बजे आएगी? हाथ क्यों दिखा रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है सर। डर किस बात का है? हाँ चलो पूछो। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि लोनावाला की बस कितने बजे आएगी? ओ 10 मिनट में आएगी, वेट करो। अच्छा 10 मिनट में आएगी ना, उसके लिए आप गुस्सा क्यों कर रहे थे सर? सिर्फ 10 मिनट ना। हेलो, 10 मिनट हो गया लेकिन बस अभी तक नहीं आई। करो ना। अरे कितना वेट करूं यार, मारा क्यों? 10 मिनट बोला ना तो 10 मिनट तो हो गए, अभी तक बस क्यों नहीं आई? चुप, झूठ क्यों बोला? मेरी क्या गलती है इसमें? गलती है कि तूने झूठ बोला, फिर तूने क्यों बोला कि 10 मिनट में बस आएगी? अरे वो चाय पी रहा होगा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? चाय पी रहा होगा, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि वो चाय पी रहा होगा? झूठ बोलता है। अरे क्या हुआ है, क्यों मार रहे हो? लोनावाला की बस कब आएगी, इसने पूछा। मैंने कहा 10 मिनट लेट आएगी, जब नहीं आई तो ये मुझे मारने लगा। सर ये कैसा नहीं आया है? तेरी तो मारा सर। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? आज बस की स्ट्राइक है। स्ट्राइक कहाँ कहाँ से आ जाते हैं?
गलती हो गई, बस बंद है तो बस आएगी कैसे, कैसे आएगी बस, बता मेरे को कैसे आएगी बस, तेरी वजह से मेरा समय बर्बाद हुआ, पैसे कौन भरेगा, मैं भरूंगा, तो निकाल जल्दी कर, ऑटो के 100 रुपए ले लो, क्या कहा 100 रुपए, बेइज्जती करता है, ये भी लो, ये भी लो, दोनों लेकर के आ, और कुछ है क्या, अरे वहाँ का सब कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है, ये भी नहीं है, तो निकल ले, ये लो, चल निकाल, अजीब आदमी है, काम कम करता है, हाथ ज्यादा उठा, निकल नहीं तो, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे रुकना रुकना, ये क्या कर रहा है तू, ओ मैं जरा सा प्यार कर रहा था, मैं लोटे से मारूंगा तो 32 ही हाथ में आ जाएगी तेरे, आपकी तो शादी हो गई, आप क्या समझोगे दर्द, बात करते चल चल, मेरी शादी हुई है मुझे कितना दर्द हो रहा है, मालिक आप यहाँ पर हो, इधर नहीं होना चाहिए था क्या, वो राधा मैम साहब ने पूछा कि आप कहाँ हो, राधा ने मेरे बारे में पूछा, क्या बोलकर पूछा, आप कहाँ ये पूछा, अच्छा अभी कहाँ है तुम्हारी मालकिन, रंगोली बना रही है, थैंक्स यार, आज से तेरी तनख्वाह 5000 रुपए कर दी, पर मेरी तनख्वाह तो 6000 है, कितनी अच्छी लग रही है, अरे दादी तरीक जरा सा मुस्कुरा दीजिए, रेडी, अबे कब तक ऐसे रहेंगे, जरा जल्दी खींच, बाप रे, चल 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 चल, अरे मर गई, ये तो हमारी आदत है, ए सुन हमारी फोटो जबरदस्त आनी चाहिए, दादी की नहीं आएगी तो भी चलेगा, हंसिए, फोटो कब मिलेगा, पहले पैसे तो फिर फोटो मिलेगी, ओहो ये ले पैसे, फोटो दे, सबके पास दिमाग होता है बे, मेरी और राधा की फोटो फ्रेम जल्दी से बना के लेके आना, बुढ़ी की नहीं भेजेगा तो भी चलेगा, चल जा, अगर फोटो अच्छी नहीं आई तो हम कल वापस खींचेंगे, हाँ अरे भाई, भैया भैया, अरे क्या यार भैया, आप पहले से बहुत काले हो गए, आपके घर में इतना अंधेरा क्यों है भैया, पहले चश्मा निकाल, ओ भैया आपके चेहरे पर पहले से ज्यादा चमक आ गई है भैया, भाभी जी आपके आने पर इस घर में रोशनी आ गई है, भाभी देखिए आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, क्या है भैया, कश्मीर का केसर है भैया, तू कश्मीर कब गया था बे, अरे इसके लिए कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, भायखला में भी मिलती है, रख लो भाभी, किस लिए, इसे दूध में मिलाकर पीने से बच्चे गोरे गोरे पैदा होते हैं भाभी, नहीं तो भैया की तरह काले हो जाएंगे, अब मेरे कलर के बारे में बात करना जरूरी है, भाभी मैं अपने भतीजों को कब गोद में खिलाऊंगा भाभी, ये सब आप इनसे ही पूछ लीजिए, भाभी ने ऐसा क्यों बोला, थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, बाहर चल, अच्छा मतलब अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है क्या भैया, सच में, सच में एकदम सच, अभी तक टच भी नहीं किया यार, अरे लेकिन क्यों, अरे राधा को पसंद नहीं था ना, जबरदस्ती शादी हो गई, इसलिए जब वो मुझे पसंद करेगी तब मैं उसके पास जाऊंगा, अरे आपकी गलती नहीं है, मुझे अपने आप को चप्पल मारना चाहिए, उस रघु को जेल भेजने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है, रघु को तूने क्यों जेल भेज दिया, और नहीं तो क्या, तुम्हें पता नहीं है उसे जेल भेजने के लिए कितने पापड़ बेले मैंने, क्या क्या किया मैंने, क्या क्या किया है आपको, क्या बोला तूने, अब वो क्या है कि भैया उसने उसने जो पाप किए हैं उसी के पापों की सजा मैंने उसे दिलाई है भैया, तूने चोरी की थी तो मैंने तुझे माफ कर दिया था, लेकिन तू झूठ बोलेगा तो तेरी जान ले लूंगा, असल में क्या किया था तूने, चल बोल, अबे बोल, बताता हूँ, भाभी की जिस दिन सगाई हुई थी उसी रात मैं और काली दोनों मिलकर मंदिर गए थे, बेटा रघु कल सुबह तुम्हारी शादी है, ये हिसाब किताब सब बाद में देख लेना, ये सब तुम बाद में लिख सकते हो ना, वो क्या है कि शादी होती है मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, इसीलिए पूरा हिसाब खत्म करना है, ट्रस्टी साहब ने बोला है, वही कर रहा हूँ पंडित जी, ये लो हुंडू की चाबी, मंदिर को बराबर बंद करके जाना, जाते समय मुझे चाबी दे देना, ठीक है पंडित जी,
काली हाँ? तुम्हें क्या करना है पता है ना? हाँ, सावधानी से जाओ। ठीक है। काली, तूने मरकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। तेरी मौत के बहाने अब उस रघु को जेल भिजवा दूंगा और अपने भाई के हाथों राधा के गले में मंगलसूत्र बंधवाऊंगा। मुझे माफ। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आपको बहुत चाहता हूँ भैया, और राधा आपकी जान थी। बस कैसे भी आप दोनों की शादी हो जाए, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया कि उस चोरी का इल्जाम रघु के सर डाल दूं। लेकिन इतने में ये सब हो गया भैया। ये बात तेरी भाभी को पता चलेगी तो क्या होगा जानता है तू? पता चलेगा तब ना। राधा, राधा सुनो, मेरी करीब मत आइएगा। मैंने कुछ नहीं किया राधा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। नहीं राधा, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, मेरी गलती नहीं है राधा। नहीं राधा, राधा मेरी कोई गलती नहीं है। देखो मैं सच कह रहा हूँ राधा, राधा मेरे मन में कुछ नहीं था। राधा मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था राधा। राधा मेरी बात तो सुनो राधा, ऐसे मत करो राधा। राधा अगर मेरे पास आए तो मार डालूंगी। राधा ऐसे मत करना राधा। भैया भैया भैया, राधा यहाँ आई थी भाभी? नहीं भैया, भाभी को जब पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, यही सोच रहे हैं आप? ए, मुझे बहुत डर लग रहा है। हे, छोड़ो ना, डर किस बात का? ये बात सिर्फ हमारे दोनों के बीच में रहेगी भैया। सारी चिंता छोड़ करके बस अपना घर संभालो। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे होंगे। बच्चे होंगे तो क्या, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाभी भी खुश रहेंगी। सच में ऐसा होगा? सच में भैया, मुझे कुछ और काम है, मैं निकलता हूँ, बाय। अभी राधा कहाँ होगी? ए डाल दे। डालना अरे डालना। सुबह से यही नाटक हो रहा है। तुझे मैं बेवकूफ नजर आ रहा हूँ? कमीना मेरा माल पी रहा है क्या वे? सुबह से तू अकेले बैठ कर के पूरा माल पी रहा था? वो बात नहीं है यार, हाँ? मेरी बीवी पोस्टमैन के साथ भाग गई ना। अरे इसमें कौन सी नई बात है? अरे वो भाजी वाले के साथ, रिक्शे वाले के साथ, कभी उस कंपाउंडर के साथ, अगर वो भाग गई तो उसमें कौन सी नई बात है? और भी कोई दूसरी बात है क्या? अरे वो बात नहीं है, हाँ? क्या है कि मेरी बीवी किसी के साथ भागती थी ना, हाँ? तो उसके घर का सारा माल 10 दिन में उड़ा के ले आती थी, हाँ? लेकिन अभी 1 महीना हो गया, आई ही नहीं। अरे तो कमाल हो गया। ए, डाल डाल डाल। अरे क्या डाल बे? है? इसी गम की वजह से, हाँ? मैं यहाँ आया था कि पी, हाँ? पी के मर जाऊंगा, हाँ? इसीलिए चूहा मारने की दवा मिला के पीने वाला था कि तू पी गया। चूहा मारने की दवा? ये विकेट गिर गया, अब मैं खुशी से पीऊंगा। ए डाल रे। कोई फायदा नहीं, सबकी नजरें मेरे ऊपर हैं। अब अलग ट्रिक अपनाता हूँ। शाबाश शाबाश, सब लोग मुझे ही फॉलो कर रहे हैं। इन लोगों का रोल मॉडल मैं ही हूँ। अरे और डाल यार,
हमें भी डालो। क्या बात है, पुलिस यहाँ आई? अरे रंगा, क्या यार बाथरूम में पानी नहीं यार। राम यही है सर। रुको, रामू तुम ही हो ना? हाँ सर, मैं ही रामू हूँ। अच्छा, तू ऐसे काम करता है जो भूल जाता है? इन्हें पता चल गया क्या? हेलो, आखिर बात क्या है? सर वो क्या है ना, मुझे नहीं पता था और ये अचानक से, और वो हमें पता चल गया। हे भगवान, पता चल गया? मैंने कुछ भी नहीं किया सर, जो भी करना था उसी ने किया था। वही, पूरे गांव वालों ने बताया कि ये उसने ही किया है। अरे बाप रे, मतलब पूरे गांव वालों को पता चल गया? पर उसने तो कहा था कि सिर्फ मुझे ही बताया था उसने। इसका मतलब ये हुआ, इसके बारे में तुम्हें पहले से ही पता था, फिर भी तुमने उसके आने तक उसका वेट किया, फिर उसे मारा। मारा कहाँ था सर, उन्होंने बोला मंगलसूत्र बांध दो तो मैंने बांध दिया। क्या बकवास कर रहा, अपनी बीवी को बुलाओ, जब तक वो नहीं बोलेगी एक केस क्लोज नहीं होगा। सर तुम खुद उसे बुला रहे हो या हम बुलाएं उसे? सर मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ सर, इस बात को यहीं पे खत्म कर दो सर। ये क्या बोल रहे हो तुम, उसने तुम्हारी बीवी के साथ बदतमीजी की और तुम उसे छोड़ने को कह रहे हो? ऐसे गुनहगारों को छोड़ने से उनका हौसला बढ़ जाता है। आप किसके बारे में बात कर रहे हो सर? जो तुम्हारी खेती करता है ना, उस हरी के बारे में, उसने तुम्हारी बीवी के साथ बदतमीजी की और तुमने उसकी पिटाई की। सर आप उसके बारे में बात कर रहे हैं क्या? मतलब तुम किसी और बारे में सोच रहे थे क्या? फिर ऐसी कोई बात नहीं है सर। तो पहले अपनी बीवी को बुलाओ, पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन लिखवाएं, फिर उस हरी का बैंड बजाता हूं। अरे बाप रे, मेरी बीवी घर से बाहर नहीं निकलती है तो पुलिस स्टेशन कैसे जाएगी वो? ओहो, बहुत अच्छे खानदान वाले हो तुम लोग। जी हाँ सर। ठीक है, तुम बाद में आकर कंप्लेन लिखवाओ, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। ठीक है सर। हेलो, तुम्हारी मैरिज लाइफ कैसी है? बहुत ही कंफ्यूजन है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो कुछ भी नहीं, मेरी शादी को इतने साल हो गए और मैं आज तक नहीं समझ पाया। तुम पहले पुलिस स्टेशन आओ, वहां बैठकर दोनों अपना अपना कंफ्यूजन शेयर करेंगे। चलता हूं। अरे बाप रे, हे भगवान। अरे बाप रे, कौन है वहां? नहीं, यहां तो कोई नहीं है। खींचकर उसकी इज्जत उतार रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? छी, क्या चक्कर है, मुझे हर जगह अपने भैया की आवाज सुनाई देती है। भैया किधर हो? आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तू इधर क्या कर रहा है? भैया आपके बारे में सोचकर बहुत दुखी हूँ। इधर मैं दुखी हूँ तो तू क्यों दुखी हो रहा है बे? आपकी समझ में नहीं आएगा। भैया आप यहाँ क्यों आए? भैया पता है आज राधा ने मुझे छुआ यार। ओ प्रसाद दे रही थी तो हाथ टच हो गया। अबे नहीं यार, अरे मैं नीचे गिरा था तो उसने मुझे पकड़ लिया। इतनी छोटी सी बात के लिए यहाँ आ गए? अरे भाभी को बाहों में भर लेना चाहिए था। अबे चुप कर, पागलों जैसी बात मत कर। अभी मैं खुद इस टेंशन में हूँ कि उसे धोखा देकर मैंने उसे शादी की है और तू चाहता है कि मैं एक और गलती कर दूं। भाई यार, जिसके साथ साथ फेरे लिए हैं उसे अपनी बाहों में भरने में क्या प्रॉब्लम है भैया? मैंने शादी तो कर ली है यार, पर जब तक उसे सच्चाई नहीं बताऊंगा मैं उसके साथ संसार नहीं बसाऊंगा। संसार नहीं बसेगा, तुम्हारी जिंदगी की ताली बज जाएगी भैया। क्या बात कर रहा है? भाभी को सच्चाई पता चलेगी तो थूक देगी आपके मुंह पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर चाहते हो कि ऐसा ना हो तो जल्दी से जाकर भाभी को गले लगा लो भैया। ये लो एक पैक मार लो। ये मैं नहीं पीऊंगा। अरे दे नहीं रहा हूँ, पिला रहा हूँ हाथों से। लो। हाय, मैंने आज दारू पी है तो क्यों बरस रहे हो? क्या है ये? अरे दादी शुक्र मनाओ कि पाँव टच हुआ, अगर गर्दन पे रख देता तो मर जाती। अरे Hmm.
अबे कीड़े तेरी इतनी हिम्मत, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, मंदिर में राम सीता हनुमान जी हैं, इतनों के सामने इसके गले में मैंने मंगलसूत्र बांधा, तो मेरे सामने तू इसको छुएगा? अरे माफ कर दो। अबे अब तक मुझे चांस नहीं मिला, अपनी बीवी को मैंने छुआ नहीं है, और तू क्या पराई औरत पर नजर डाल रहा है क्या? अबे देख तू तो मुझसे भी काला, जरा देख तेरी स्किन कितनी काली है। मुझे माफ कर दो। क्या कहा मैं तुझे माफ करूं? तुझे छोड़ दूंगा तो तू इसे काटेगा, अगर काटेगा तो उसको दर्द होगा, और उसको दर्द होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी जान है। अब कभी मेरी बीबी के पास मत आना, ओके? हाँ? और जाके अपने सभी दोस्तों को बोल देना कि कभी उसे सताया मत करो, बता देगा? हाँ? कितना अच्छा बच्चा है, ओके ना? गुड गुड नाइट। हाँ? टाटा। टाटा। और राधा तुम अगर ऐसे सो जाओगी तो आज तो चीटी आई, कल पता नहीं क्या आ जाएगा, फिर तो तुम्हें बुखार आएगा, तो प्लीज तुम रोज चादर डाल के पलंग पर सोई रहोगी और मैं रोज चट उतर के जमीन पे सो जाऊंगा। छोड़ तो मुझे। क्या दादी क्या कर रही हो तुम, कहाँ जा रही हो? ना देख बेटी, ये घर संसार बसाने वाला बिल्कुल नहीं, तो अपने घर चली जा, जा अपने बाप के घर। अरे आखिर हुआ क्या है दादी? रात में जो चिट्ठी फेंकी थी ना वो मुझ पर गिरी थी। अरे बाप रे, देख लिया। ऐ, एक औरत तब खुश होती है जब उसकी शादी होती है और दूसरी बार जब उसका बच्चा होता है, और खुशी इस घर में उसको मिल ही नहीं रही है। ये अपने घर में रहे या अपने बाप के घर में रहे क्या फर्क पड़ता है तुझे? तू जा बेटी। अरे दादी मेरी एक बात सुनो। ऐ तुझे कुछ भी नहीं पता, शादी होने के बाद पति बनता है, वही बच्चा होने के बाद मर्द कहलाता है। मुझे तुम्हारी बातों से गुस्सा आ रहा है दादी। आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा, उसके अलावा तुझे आता ही क्या है? अरे पहले मुझे ये बता कि तेरे दिल में क्या है। मेरे दिल में कुछ नहीं है दादी। अगर तेरे दिल में कुछ नहीं है तो उसे दूर क्यों रख रहा है? मुझे तुझ पर विश्वास ही नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं क्या करूं? एक काम कर, इसे किस कर, फिर मैं तुझ पर विश्वास करूंगी। ऐसे बड़े लोगों के सामने नहीं करते। तेरा नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाला है, अभी इसी वक्त मेरे सामने इसे किस करना पड़ेगा। चल किस कर। अरे दादी सबकी क्या, तू चुप रह बेटी, तू चुप रह, किस कर किस कर किस करना, जरूरी है? हाँ जरूरी है, कर। मुझे माफ कर दो। क्या कह रहा है? देख लो अच्छी तरह से देख लो, फिर कुछ बोलना मत। चुपचाप किस कर। अब ठीक है ना? ये फालतू की हरकतें मेरे सामने की ना तो मुंह तोड़ के रख दूंगी। चुपचाप मेरी बहू को किस कर, वरना ठीक नहीं होगा। जा जा देखो। हाँ अब तो ठीक है। किसका मतलब नहीं पता तुझे? कर कर। दादी बाहर घूम के आता हूँ, खाना खा लेना और मेरा खाना टेबल पे रख देना। अरे बाप रे ये क्या कर रही हो? अरे बेटा पलंग पर फूल क्यों डालते हैं पता नहीं। सर पर लगाना था, तुमने गलती से पलंग पर डाल दिए। पागल कहीं का। बाप रे। अरे अभी तेरी सुहागरात नहीं हुई है ना? अरे कब की हो गई है दादी? तेरा सर हुआ है, फूल गिरा के सोना नहीं होता है, समझा? तो फिर क्या करना है? मैंने किस करवाया तो क्या सब मुझसे पूछ कर करेगा? गधा कहीं का, अपनी अकल चला बेवकूफ। दादी मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं पता, एक बात कान खोल के सुन ले, मुझे इन हाथों में पोता चाहिए। अरे ऐसे रिलीज डेट देने के लिए यह कोई फिल्म चल रही है क्या? जिंदगी है दादी। हाँ पता है, अगर तूने संसार बराबर चलाया होता ना तो तीसरे महीने में ये सब हो गया होता। दादी कितनी बेशर्मी से बात कर रही हो तुम। बेशर्मी से नहीं, मेरी आशा ही टूट गई है, मैं किसके लिए जी रही हूँ बेटा? 30 साल की उम्र में पति मर गया तो बेटे के लिए जी रही थी, तुझे पाला पोसा तो तू भी भाग गया, सोचा तेरी शादी देखूंगी पर वो भी नहीं देख पाई, वो भी हो गई। वो किचन में रहती है तो तू बालकनी में रहता है, ये इस तरह से कैसे चलेगा बेटा? मैं सोच रही थी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, लेकिन वो वहाँ होती है तो तू यहाँ चला जाता है, वो यहाँ आती है तो तू वहाँ चला जाता है। अरे लेकिन दादी कम से कम मेरी बात तो सुन लो। अरे क्या सुनूं तेरी, उसकी शादी रुक गई तो उससे शादी करके इस घर में ले आया तो संसार तो बसा, इसमें क्या बुराई है? दादी माँ तुम क्या समझती हो कि तुम्हारा पोता आदर्शों को पालने वाला बहुत बड़ा महान आदमी होगा क्या? उसकी शादी तोड़कर मैंने शादी की है उससे, उस रघु की कोई गलती नहीं थी,
बेवजह वो जेल चला गया। फिर से एक और गलती करके उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं मैं, इसलिए मैं रोज जमीन पर सो रहा हूं दादी माँ। यहां बात पोते की नहीं है दादी माँ, बस भगवान से तुम ये प्रार्थना करो कि मुझे कोई सजा ना हो जाए। मैं तो सिर्फ नाम का राम हूं, इंसानियत के नाते से नहीं। पानी तक नहीं छुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाएं क्या? उसकी जरूरत नहीं है, इसे दवा दे दी है, कल देखना कैसे उछलेगी कूदेगी। हाँ? अच्छा मैं चलता। नमस्ते डॉक्टर साहब। बेटा जरा एक मिनट उधर आना। देखो बेटा, मैंने जो कुछ भी तुम्हारी दादी से कहा वो सब झूठ है। तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत ही सीरियस है, उसके अंदर कुछ अलग ही प्रकार का दर्द है। वो मानसिक रूप से बहुत ही पीड़ित है। हाँ, वो कुछ भी हो सकता है, इसमें उसकी जान भी जा सकती है बेटा। उसके अंदर कुछ अलग ही प्रकार का दर्द है। वो मानसिक रूप से बहुत ही पीड़ित है, वो कुछ भी हो सकता है, इसमें उसकी जान भी जा सकती है। जान, जान भी जा सकती है। टू नॉट वन यस सर, कोर्ट से बेल ऑर्डर लेकर आए हैं, रघु को रिलीज कर दो। इसलिए तुमने मुझे जेल से छुड़वाया? कम से कम एक बार मेरी बात तो क्या सुनूं मैं? 3 महीने उसके साथ रहने के बाद जब मन भर गया तो मेरे गले बांधना चाहते हो तुम? चल जाओ यहाँ से। रघु, जब तक सच्चाई पता ना चले तब तक राधा पर कोई शक मत करना। देखो, हमारी शादी को 3 महीने हो चुके हैं लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राधा अभी भी पवित्र है। रघु, तुम जो बोल रहे हो वो सच है? मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, बचपन से मैं राधा को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो तो तुमसे प्यार करती है। जब से उसे इस बात का पता चला है उसका मन शांत नहीं है। तुमसे मिलने के बाद उसके मन को शांति मिल जाएगी। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूं, राधा से शादी कर लो। राधा से शादी कर लो। देखो, मैं रघु को लेकर आया हूं राधा, एक बार अपनी आंखें खोल कर देख लो। मुझे जान से मारना चाहता था ना तू, आज मेरे हत्थे चढ़ गया।
क्या करूं रे इसके साथ? अरे अरे हरी हरी, ऐसे मारेगा तो मर जाएगा बेटा। इसकी वजह से जो गलती मैंने नहीं की उसकी सजा मुझे जेल में भुगतनी पड़ी। सही बोला बेटा, ये ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा किसे पता था। उसने क्या किया जरूरी नहीं है, हमें क्या करना ये सोचना होगा। उसकी तो शादी हो चुकी है ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसकी शादी को तोड़ करके मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। इससे उस लड़की की शादी हुई है ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर उसके साथ 3 महीने गुजार भी चुकी है वो। 3 महीने तो क्या, वो 3 जन्म भी गुजार लेती तब भी मैं राधा से ही शादी करता। पर राधा के दिल में क्या है, कोई उससे पूछेगा क्या? ए, क्या पूछना है? इसकी हरकतों की वजह से वो लड़की पहले ही परेशान है। अब क्या वो सबके सामने आके बोलेगी कि रघु को मुझसे मिलवा दो? कभी नहीं कहेगी। जो करना है हमें ही करना है। भूषण जी, ये घर की समस्या अब गांव की समस्या हो गई। कल को इस लड़की को ऐसी कोई समस्या ना हो इसलिए 4 लोगों के सामने आप सोच समझ के फैसला कर लीजिए। अपनी इज्जत बचाने के लिए उस दिन मैंने रामू के हाथ से अपने बेटी के गले में मंगलसूत्र पहनवाया और आज उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसने जो मंगलसूत्र बांधा था उसे उतार कर रघु के साथ उसकी शादी करवाऊंगा। कल ही करवाऊंगा। अरे भूषण जी, ऐसे सर झुकाए क्यों बैठे हो, जैसे आपने कोई गलती की हो। देखिए भूषण जी, उसने धोखा देकर शादी की है, आप न्याय करके वापस शादी करवा रहे हो, इसमें गलती क्या है? चुप कर। जिस तरह से कपड़े बदलते हैं उस तरह से शादियां बदल सकते हैं क्या? अपनी जबान को लगाम दे। अरे कल को कोई कहेगा तेरी बीवी से प्यार करता हूँ तो क्या उसे बेच देगा? शादी से पहले किसी लड़की को किसी से प्यार हुआ तो शादी करवा सकते हैं, शादी के बाद अगर कहे तो कैसे शादी करवाएंगे? चुप करो। उसने राधा को धोखा देकर शादी की है, ये कोई शादी हुई क्या? इसीलिए वो घर वापस आ गई। अब अगर कल उसे वहाँ भेज दें और उसने आत्महत्या कर ली तो जिम्मेदारी कौन लेगा, तुम लोग ही क्या? अगर शादी होने के बाद औरतों को अपने प्रेमियों के पास भेजा जाए तो दुनिया कैसे चलेगी? एक बात का जवाब दे, कौन सी औरत है जो सच्चे मन से अपना घर संसार चलाती है, बता तो मुझे। पसंद हो या ना हो, गले में जो मंगलसूत्र बांधा है उसकी इज्जत करनी चाहिए। ए, रॉकेट पर बैठकर चंद्रमा में क्या है इसका पता लगा लिया, लेकिन जैकेट पहनने वाली लड़की के दिल में क्या है इसका पता किसी ने लगाया है क्या? जानते हैं, इसीलिए निर्णय लिया है। राधा अभी भी रघु से प्यार करती है। रघु भी राधा से बहुत प्यार करता है, इसीलिए शादी के 3 महीने के बाद भी वो राधा से शादी करने के लिए तैयार है। अरे तुम्हारे पोते ने पूरे गांव को धोखा देकर राधा को मंगलसूत्र बांधा है, अब उसका दिल भर जाने के बाद राधा से छुटकारा पाना चाहता है और तुम उस धोखेबाज का साथ दे रही हो। मेरे पोते के बारे में कुछ भी कहा तो तेरी जबान खींच लूंगी, उसके बारे में तुझे क्या पता है? बचपन से वो राधा से कितना प्यार करता है, हाँ ये मैं जानती हूँ। वो इस गांव में आया उसके लिए उसने माँ बाप जायदाद सब कुछ ठुकरा दिया। उसने राधा से शादी की तो लगा पूरी दुनिया मिल गई। इतना प्यार करने के बाद भी राधा जिसे प्यार करती है उस रघु को जेल से छुड़वा कर दोनों की शादी करवाना चाहता है वो, और ऐसे इंसान को तुम लोगों ने ऐसा कहा, उसे मार कर फेंक दिया। तुम लोग इंसान हो या जानवर हो किसी लायक नहीं हो।
तुम लोगों को मेरे बेटे की कदर नहीं है। छोड़ दो, इनसे क्या बात करना है। घर में बीवी होते हुए मेरे साथ रात गुजारते हैं ये। इन लोगों को राम के बारे में क्या पता। राम जब गांव में आया था इनका घर समझकर मेरे घर में आ गया था और मुझे राधा समझ लिया था। मैं किसी पराए मर्द के साथ थी, फिर भी ये सब कुछ छोड़कर राजा राधा अपने घर चलते हैं ऐसा कहा उसने। ऐसा इंसान दुनिया में मिलना मुश्किल है। राम बहुत भोला है मालिक, उन दोनों को अलग मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मालिक। सामने गिड़गिड़ाने का मुझे कोई शौक नहीं है। बुलाओ मेरी बहू को, मैं उसके मुंह से सुनना चाहती हूं कि यह शादी उसे पसंद नहीं। मेरी बात सुनिए, कल रघु के साथ मेरी शादी है। जिसे सही लगे वो आकर मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। अब भगवान के लिए यहां से चली जाइए। कहाँ जा रहे हो तुम? इस गांव को छोड़कर मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। अगर जाना ही चाहते हो तो इस तरफ वापस क्यों आ रहे हो? एक बार राधा से मिलकर मैं सॉरी बोलना चाहते हो? गांव वालों ने उसका जीना हराम कर दिया है, तुम भी वही करोगे? नहीं वो एक बार जख्म देने के बाद सिंपति दिखाने की कोशिश मत करो। तुमने हम दोनों के साथ जो कुछ किया है ना, उसके लिए तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। तुम बोलो रघु, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। जरूरत नहीं है, बस यहां से चले जाओ। कम से कम राधा चैन से जी तो सकेगी। अब घूर क्या रहा है, मुझे जाने को बोला ना, जा जाना। पूरे गांव को यह सूचना दी जाती है कि गांव के सरपंच भूषण जी अपनी इकलौती बेटी राधा की पहली शादी पड़ोस के गांव रामपुर के सीता देवी के पोते रामू से विवाह किया था। वो शादी एक धोखा था, इसलिए गांव के बड़े लोगों ने निर्णय लिया है कि उस विवाह को आज रद्द कर दिया जाए और इस वक्त रघु से राधा को दोबारा विवाह करवाया जा रहा है। ये पंचायत ने निर्णय लिया है। इस विवाह में ग्रामवासी उपस्थित होके वर वधू को अपना आशीर्वाद दें। लड़की के गले से मंगलसूत्र निकालकर दुल्हन को तुरंत लेकर के आइए। पापा, रघु ने यहाँ आके मुझे फिर से एक नई जिंदगी दी है, उसे ही मंगलसूत्र निकालने के लिए गई है। ससुर जी, राधा ने ठीक ही बोला, मंगलसूत्र को मैं ही निकालूंगा। कुछ नहीं हुआ है। ए, यहाँ मैं रेडी हूँ, उसे जाकर कह दो।
दीदी कह रही हैं कि वो तैयार है भैया। रघु, बेटी ने खबर भेजी है वो तैयार है। रघु क्या सोच रहे हो बेटा? रघु पापा ये क्या सोच रहे हैं मैं बताती हूँ आपको। जेल से इसे छुड़ाने के बाद राम ने इसे कहा होगा कि राधा बिल्कुल पवित्र है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो जाकर डॉक्टर से उसका चेकअप करवा लो। पर अब ये क्या हो गया, राधा तो उल्टियाँ कर रही है। तुम अपने मन में यही सोच रहे हो ना रघु? डॉक्टर चेकअप मुझे समझ में नहीं आ रहा। शहर में पढ़ाई की है ना पापा, गांव पर विश्वास नहीं है इसे। असल में हुआ क्या? जब राम के घर से मुझे अपने घर पर लेकर गए थे, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, एक लेडी डॉक्टर को लेकर आए थे, याद है आपको? मैडम पेशेंट अंदर ही है। इतनी छोटी बात के लिए डॉक्टर को क्यों लेकर आए हो? राधा की तबीयत अचानक से खराब हो गई और कल शादी भी है, इसीलिए मैंने सोचा कि। मेरी बेटी से तुम इतना प्यार करते हो मैं समझ नहीं पाया था बेटा। रघु। ससुर जी एक मिनट। हाँ देखो रघु, तुम्हें इस पर शक करने की जरूरत नहीं है, ये लड़की एकदम पवित्र है। थैंक यू डॉक्टर। आप बेफिक्र से शादी कर सकते हैं। ये बात बस हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। जी ठीक है। हाँ मैंने करवाया, क्या गलत किया? क्या वो कोई संत है या फिर राजा हरिश्चंद जो मैं उस पर विश्वास कर लेता? देखो हमें एक पेन भी खरीदना होता है तो हम देख सुनकर ही खरीदते हैं, और यहाँ पर बात तो मेरी जिंदगी की थी। अगर मैंने चेक किया तो क्या गलत किया? उसने तुम्हारे साथ 3 महीने एक ही छत के नीचे गुजारे हैं और उसने तुम्हें टच भी नहीं किया, इस बात पे कैसे विश्वास कर लूं? 2 साल तक हमारा अफेयर चला लेकिन तुमने मुझ पे जरा भी विश्वास नहीं किया, और मैं बिना चेकअप किए तुम्हारे साथ शादी कर लूं? तुम्हें क्या मैं पागल दिखता हूं? देख लिया पापा, ये है इसका असली रूप। जब इसने डॉक्टर को बुलाकर मेरा चेकअप करवाया था ना, तभी मैं इससे पूछ सकती थी। लेकिन तब पूछ लेती तो इसकी सच्चाई सब लोगों के सामने कैसे आ पाती? आप लोगों को इसका असली रूप पता चले इसलिए मैंने ये नाटक किया। देखो रघु, उल्टियाँ कभी भी किसी भी वजह से आ सकती है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी में ही आ सकती है, ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो। क्या कहा? मेरा रामू श्री रामचंद्र है ये कहा ना? उससे भी महान है वो। राम जी ने सीता जी पर शक किया पर मेरे रामू ने मुझ पर कभी शक नहीं किया बल्कि प्यार किया। ऐसा क्यों पता है? वो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे शरीर से नहीं। पति के तौर पर उनका मुझ पर पूरा अधिकार था, ये 3 महीने उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। तुमने कहा ना 2 साल मैं तुम्हारे साथ घूमी हूँ, अगर 2 साल तुम्हारे साथ घूमने के बाद मैं अपवित्र हो जाती तब भी वो मुझसे शादी करते। तुम्हारी तरह मुझ पर शक नहीं करते। जहाँ शक होता है वहाँ प्यार नहीं होता, और जहाँ प्यार होता है वहाँ शक नहीं होता। तुम्हारा शक है पर मेरे रामू का प्यार है। जो इंसान अपनी पत्नी का विश्वास जीत सके वही एक अच्छा पति बन सकता है, लेकिन अगर एक वैश्या किसी मर्द को अच्छा कहे तो वो सिर्फ मेरा रामू ही हो सकता है। एक लड़की जिंदगी भर अपनी शादी का सपना देखती है जो कि जिंदगी में बस एक ही बार होती है, और मेरा ये सपना कब का पूरा हो चुका है। एक लड़की जिसे प्यार करती है उससे शादी करने से बेहतर है कि लड़की को जो सच्चा प्यार करता है वो उससे शादी कर ले, और मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। ए, कौन है तू? अरे कहाँ जा रहा है? रुक जा। ए! मेरे पति ने मेरे गले में जो मंगलसूत्र बांधा है वो मेरे मरने के बाद ही उतरेगा। अरे मेरी प्यारी बहू, अभी अभी तुमने जो कहा वो मेरा पोता सुनेगा तो हवा में उड़ने लगेगा। दीदी दीदी, जीजा जी पहाड़ी से पानी में कूद गए। हे भगवान। कट 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 कट। अरे अरे अरे, हीरो को कूदने के लिए बोला था, ये कौन गधा कूद गया अंदर? ओ असिस्टेंट। अरे कहाँ मर गया ये असिस्टेंट डायरेक्टर? इधर आ। मैं यही हूँ सर, मैंने उसको कूदने के लिए मना किया लेकिन वो कूद गया सर। तुम्हें मरा नहीं क्या? अरे पागल, तुझे मरने के लिए यही जगह मिली थी क्या? अरे दूसरी जगह जाके मारना, तेरी तो चा 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 चा। तू मर जाता तो मेरी मुसीबत हो जाती। ए, लाखों रुपए खर्च करके ये एक शॉट प्लान किया था मैंने, समझा? पूरा सत्यानाश कर दिया तूने। मन तो यही कर रहा तुझे। अरे हटाओ इसे, हटाओ हटाओ वहां से, हटाओ। ए चलो चलो चलो। अरे क्या बताऊं मैं इसका। बेटी कौन है ये? तुम्हारा ड्राइवर है क्या? मेरे शॉट का सत्यानाश कर दिया इस कमीने। जबान संभाल कर बात करो, तुम्हें पता है ये कौन है? कौन है? मेरे पति हैं। ये पति है?
ओ रंबा जैसी तेरी पत्नी है फिर भी तू आत्महत्या क्यों कर रहा है भाई, ठरकी है क्या? देखो बेटी, तुम्हारे गले में ये मामूली मंगलसूत्र नहीं है, भगवान का वरदान बधा हुआ है। नदी में कूदने के बाद भी ये महाशय बच गए जिंदा। हो भाई, अच्छे से जिंदगी बिताओ, तुम भी जरा इसका ख्याल रखो बेटी। अरे क्या यार, शॉर्ट शॉर्ट आ रहा हूं ना, जो भी आता है कूदता हुआ ही आता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ ही नहीं पाई। इंसान की खूबसूरती नहीं देखी जाती, उसका दिल देखा जाता है, और आपका दिल साफ है। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ। सब लोग देख रहे हैं, चलिए ना अपने घर चलते हैं। चलो। क्या चलो? मैं इतनी दूर से दौड़ते दौड़ते यहाँ आपसे मिलने के लिए आई हूँ, अब क्या मैं फिर से इतनी दूर जाऊँ? मुझसे नहीं होगा, मुझे उठा कर ले चलिए। क्या? हाँ, मुझे उठा कर ले चलिए ना। ठीक है। अरे बाप रे, इतना वजन घर तक उठाना पड़ेगा।